बच्चे ही केंद्र में रहेंगे। और चूंकि आपके दो सवाल आए थे, एक तो शायद इस पर भी था जो वैक्सीन के ऊपर भी था ना, कि पहली और दूसरी डोज लगने के बाद क्या करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। मैं पहले इसी पे चर्चा कर लेता हूँ और इसके लिए आप इसको पॉज कर लीजिए। आपको इस कंट्रोवर्सी से घबराना नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है लगवाने के बाद में, तो उसका डिटॉक्स पॉसिबल है। नंबर मेरा नहीं लिखा हुआ इधर, हम आपको दे देंगे, बोल देता हूँ वैसे, 9518170000। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे कि डिटॉक्स कैसे करना है, तो आपकी बॉडी से जो बॉडी में कुछ चला गया हो अगर गलत, तो वो निकल जाएगा। लेकिन मोटा मोटा इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब पॉज कर लीजिए। केंद्र में बच्चे हैं और आज के वक्त जो बच्चों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जिनके बारे में चर्चा हुई थी, कि वो कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम ये कहें कि हम चर्चा करना चाहते हैं, तो जब डिटेल में पूछता हूं मैं माँ बाप से, तो मुझे 5-4 समस्याएं मिलती हैं। अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले का मुद्दा छोड़ दीजिए, अगर कोविड से पहले का सीन छोड़ दीजिए, कोविड के बाद 2-3 चीज़ें बड़ी हैं बच्चों में। एक तो ये कि वो अब ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन पर चिपके रहते हैं, मतलब पहले अगर वो दिन में आधा घंटा बैठते थे मोबाइल पर, तो अब वो अमूमन उससे 6 गुना, मतलब जितना वो पहले बैठते थे उससे 6 गुना अब वो मोबाइल पर बैठ रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप या फिर टीवी पर, या वीडियो गेम कोई भी है। दूसरी जो समस्या है, अभी इस बीमारी के बाद के जो हालात में, और ये स्क्रीन की वजह से ही है, कि आपका बच्चा अब चिड़चिड़ा ज़्यादा हो गया है पहले से, अब वो खाना कम खाता है, भूख कम लगती है, अब वो बदतमीज़ भी ज़्यादा हो गया है, अब उसका काम करने में भी मन नहीं लगता है, और अब वो सुस्त भी रहता है। ये चीज़ें इसके बाद आई हैं जब ये आपको होमवर्क मोबाइल पर दिया गया। इस पे हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो आम तौर पर बच्चों की समस्याएं रहती हैं, वो ये है कि मोटिवेटेड नहीं रहता। थोड़े दिन तक मोटिवेटेड है, जब तक कहते रहोगे, जब तक प्रेशराइज करते रहोगे, उसके बाद वो ढीला हो जाता है, काम बंद कर देता है। और उससे भी बड़ी समस्या जो माँ बाप के सामने है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें ये नहीं मालूम कि उसका करना क्या है। ये एक सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ। हमारे पास यहाँ स्टील है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, लोहा है, कुछ भी मटेरियल हो धरती पर, हमें हर मटेरियल का इस्तेमाल पता है क्या करना है, बस हमें ये नहीं पता कि हमारे घर में जो बच्चा है उसका क्या करना है। मतलब जो कुदरत की सबसे अनमोल चीज़ है, उसके बारे में ही हमको नहीं मालूम कि करना क्या है। दूसरा, चर्चाओं का जिक्र करेंगे हम। राजनीति कैसी हो, राजनीति कैसी है, सरकार किसकी बनेगी, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन सी जात खराब है, कौन सी जात बढ़िया है, कौन सा नेता खराब है, कौन सा नेता बढ़िया है, हमें खेती कैसे करनी चाहिए, हमें पशुपालन कैसे करना चाहिए, घोड़े पालन कैसे करना चाहिए, इन सब पे चर्चा है। यहाँ तक कि कुत्ते और सुअर पालने पे भी चर्चा होती है, पर इंसान का बच्चा कैसे पालना है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। बाकी सब सारे जानवर पालने के लिए बकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स खोल के रखे हैं सरकार ने, लेकिन इंसान के बच्चे पर बात करने के लिए पूरे शहर में, छोड़िए पूरे भारत में, एक केंद्र नहीं है, कि एक भी जगह नहीं। जिसको हम परमात्मा का रूप कहते हैं, वो बच्चा जब छोटा है, तो हर बच्चे का माँ बाप ये कहता है कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, जब वो 2-3 साल का है। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल में जाना शुरू करता है, तो स्कूल में जाने वाला टीचर, पढ़ाने वाला, उसको पढ़ाने वाला टीचर बताता है कि आपका बच्चा
निकम्मा है या इंटेलिजेंट है। अब अगर उस निकम्मे और इंटेलिजेंट की परिभाषा पूछें तो एक अलग ही कहानी नजर आएगी आपको। आमतौर पे 40-45 बच्चे एक क्लास में होते हैं, इतने बच्चे होते हैं लगभग लगभग, है ना जी। 40-45 बच्चे अगर एक क्लास में हैं तो फर्स्ट कितने बच्चे आ सकते हैं, कितने? सेकंड? अगर सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ जाए तो मैं आगे आता हूं, आपके पास ही आता हूं। अगर सभी बच्चों के, तब फर्स्ट कितने आ सकते हैं? सारे फर्स्ट आ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पोस्ट है कहीं नौकरी के लिए है, और मैं एग्जाम लेता हूं, 50 बच्चों ने पेपर दिया और सबके 100 में से 100 आ गए। अब बताइए कितने बच्चों को नौकरी मिल सकती है, कितनों को मिल सकती है? हैं? मैंने बोला ना एक नौकरी है, एक पोस्ट है, आप साइड में हो जाओ, है एक ही को मिलेगी। तो वो एक कैसे सेलेक्ट करोगे? मान लीजिए हमने कहा सबके बराबर नंबर हैं, अब वो सर एक किसी का परिचित होगा या उसके पास अगला पैसा होगा वो उसको नौकरी मिलेगा उस हिसाब से, वो उस हिसाब से ले लेगा। लेकिन हमने तो ये कहा कि नंबरों के बेसिस पर ट्राई करने की बात कर रहा था मैं। मेरा तो बताने का पर्पस क्या था, वो ये था कि चाहे आपका बच्चा 14 घंटा पढ़े, चाहे 18 घंटे पढ़े, चाहे पूरा दिन पढ़ता रहे, चाहे पूरा दिन सोता रहे, आपके पास जितनी सीट हैं उससे ज्यादा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब सीट का परसेंटेज बताते हैं हम आपको, थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा उससे। सबसे बड़ी भर्ती पे ले लेते हैं और सबसे छोटी। हमारे यहां सबसे बड़ी भर्ती यूपीएससी की भर्ती को बोलते हैं, आईएएस का एग्जाम, उसमें लगभग लगभग 400-500 सीटें होती हैं हर साल, कई बार मैक्सिमम 600-700 हो जाती हैं, हम 1000 मान लेते हैं। पूरे भारत में यूपीएससी का एग्जाम होता है जो, उसमें मतलब वही हम 1000 टॉप मानते हैं कि 1000 से ऊपर नहीं होते हैं। और पिछले साल का जो फॉर्म भरे थे बच्चों ने, वो 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। हम इसको भी 10 लाख पे ले आते हैं, 15 लाख से इधर 5,500 से हम 1000 ले लेते हैं और उधर 15 लाख से हम 10 लाख ले लेते हैं। तो 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, 1000 सीट हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि चाहे सिलेक्शन सिफारिश से हो, चाहे नंबरों से हो, चाहे पैसों से हो, मैक्सिमम कितने बच्चे भर्ती हो सकते हैं, कितने? चाहे सारे के सारे रिजर्वेशन वाले हो, चाहे सारे के सारे जनरल कैटेगरी के हो, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अगर मान लो एक भी जनरल का ना हो, सारे रिजर्व कैटेगरी हो, तो कितने हो सकते हैं? 1000 से ऊपर तो नहीं हो सकते। तो आप अगर परसेंटेज निकालेंगे कि 1000 ऊपर 10 लाख नीचे गुना 100 करेंगे तो 0.1% बनेगा। कितना? यानी कि आपके बच्चे के सक्सेस के चांस कितने हैं? 0.1। और फेलियर के चांस कितने हैं? 99.9% चांस हैं आपके बच्चे के फेलियर के, तयशुदा। आप कितने ही घंटे पढ़िए चाहे, तो जिनका सिलेक्शन होगा वो कौन होंगे? क्या वो इंटेलिजेंट बोले जाएंगे? मैं तो नहीं समझता। क्या वो काबिल बोले जाएंगे? मैं नहीं समझता। क्यों नहीं समझता उसका कारण बताता हूं। मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया, मुझे सब कुछ आता है, और पेपर से एक रात पहले मुझे बुखार हो जाए,
मैं एग्जाम ही ना दे पाऊं तो क्या मैं नाकाबिल हो जाऊंगा? लेकिन सिस्टम तो कह रहा है कि आप नाकाबिल हैं, मतलब आपकी काबिलियत नहीं देखी जा रही है, आपका एग्जाम देखा जा रहा है। उस दिन आप हैं तो हैं, नहीं तो नहीं। आपको अलग से कोई आपका काबिलियत चेक करने का ऐसा कोई प्रोविजन सिस्टम में नहीं है। मान लीजिए मैंने सब कुछ पढ़ा था, बस मैंने दो क्वेश्चंस नहीं पढ़े थे जो उस पेपर में आए हुए हैं, सिर्फ वो दो ही मुझे नहीं आते, और मेरी नकल मार के कोई आदमी ने वो सारे कर लिए, वो दो क्वेश्चन उसको आते थे, दो छोड़ के बाकी तो मेरी नकल से कर लिए मेरे से देख के, और वो जो दो मुझे नहीं आते थे वो उसको आते थे, तो कौन काबिल माना जाएगा? वो काबिल माना जाएगा। हम फिर पीछे रह गए, हमारी काबिलियत को फिर से गलत जज कर लिया गया। सबसे बड़ी भर्ती पे आते हैं, 18,000 भर्ती हुई, कितनी? 18,000 भर्ती हमारे हरियाणा में आज तक की, मतलब से समझो पूरे भारत में सबसे बड़ी भर्ती वही हुई थी, और वो चपड़ासी की भर्ती थी। उसके लिए फॉर्म भरे गए 22,00,000 फॉर्म। अब अगर सारे जर्नल के लिए जाएं या सारे के सारे रिजर्व कैटेगरी ली जाए, क्या 18,000 से ज्यादा भर्तियां हो सकती हैं? तो 21,82,000 बच्चों के मां बाप अपने बच्चों को रोज ये कहते हैं, जैसे ही वो बच्चा कुछ करने लगे, कि चुप हो जा, फालतू बकवास मत कर, तेरे से तो चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं हुआ था। क्योंकि वो तो चपड़ासी, उनके लिए तो वो चपड़ासी का पेपर छोटा पेपर है ना, वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि पास का परसेंटेज वही 1% से कम पड़ता है, तो मतलब 99% चांस है चाहे आपका बच्चा कोई भी एग्जाम दे वो फेल होना है। अब यहां आ जाते हैं थोड़ा आगे कि इस नंबर वाली प्रणाली में क्या होता है, आपके बच्चे का जो सिलेक्शन होना होता है, जो सिलेक्शन होना होता है वो नंबरों के बेसिस पर होता है, चाहे आप इंजीनियरिंग में होना हो, चाहे मेडिकल में होना हो, चाहे किसी नॉर्मल किसी कोर्स में होना हो, ऐसे ही होता है। आदमी को जितना अपने ऊपर भरोसा होता है वो उम्मीद उससे एक कदम ऊपर की सोचता है। मैंने सोचा कि मेरा मेडिकल कॉलेज में, इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, और बाय चांस रैंक उतना नहीं आता है, रैंक आने के चांस वही होंगे 0.1%, तो उसको किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा। मैं जब इस पार्ट पर रिसर्च कर रहा था, आप हैरान हो जाएंगे सच्चाई जानकर, मैंने जब बच्चों से पूछा ना कि तुम इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, तुम इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, यकीन मानिए एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था। अगर वो कॉलेज भारत का टॉप कॉलेज ना हो तो, मतलब जैसे मैनेजमेंट के लिए जाएंगे तो IIM अहमदाबाद का नाम आ जाएगा, IIT के लिए जाएंगे तो मुंबई का, रुड़की का, दिल्ली का नाम आ जाएगा, दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी में चले जाओ आप, वो कहेंगे नहीं हम तो तैयारी तो IIT के लिए कर रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मैक्सिमम जो है मैं ऐसे ही जबरदस्ती लेना पड़ा हमको एडमिशन। इंजीनियरिंग और मेडिकल की छोड़ दीजिए, उसके बाद में जो कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स कॉलेजेस में तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं इसी कॉलेज में लेना चाहता था। वो ये कहते हैं हमने तो इसमें भी भरा था, इसमें भी भरा था और इसमें भी भरा था, क्योंकि एडमिशन बच्चा ऐसे नहीं लेता है कि फॉर्म भर दिया और एडमिशन लेना है ना, वो जितने ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होते हैं वो सब में फॉर्म भरता है, नहीं भरता है? जितने बच्चे हैं सारे 12वीं पास करके गए हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा मैंने आज तक जो ये कहता है मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना है, इसमें नहीं मिलेगा तो मैं किसी में नहीं लूंगा, कि मैंने एक ही फॉर्म भरा हो एक ही कॉलेज का, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। इसका मतलब
पूरे देश में 99.99% बच्चा अपनी मर्जी के खिलाफ पढ़ रहा है। यानी उसको कैसी फीलिंग है कि मैं एक नाकाम आदमी हूं। और जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को बचपन से लेकर जवानी तक रोज यह एहसास कराया जाए कि मैं एक नाकाम आदमी हूं या तुम एक नाकाम आदमी हो, क्या वो आदमी कभी जीवन में आत्मविश्वास से लबरेज हो सकता है? क्या वो बच्चा कभी समाज के बारे में सोचने की कल्पना भी कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो बात अलग है। बचपन से क्यों बोल रहा हूं मैं? अभी आपके बच्चे जिनके नर्सरी में है, पहली क्लास में है, दूसरी क्लास में है, अभी तक कोई टेंशन नहीं है उसको। जो ग्रेड मिलता है वो ओ, ओ प्लस, ए प्लस, ए, इसमें खुश हो जाते हैं, ठीक है, ए ग्रेड मिल रहा है। तीसरी के बाद जब मार्क्स मिलने शुरू होते हैं और क्लास में रैंकिंग मिलनी स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट के बिना, फर्स्ट रैंक के बिना माँ बाप को चैन नहीं है। और फर्स्ट रैंक केवल एक बच्चे का आ सकता है, तो बाकी के जितने बच्चे हैं एक को छोड़कर उन सबको फर्स्ट आना है। और जो फर्स्ट है उसकी टेंशन है, उसे फर्स्ट पे रहना है। मतलब पूरी की पूरी जनरेशन टेंशन में और पूरी की पूरी जनरेशन का आत्मविश्वास खत्म। उसके बाद गुड बॉय बैड बॉय, गुड गर्ल बैड गर्ल का पैमाना एक ही है, मार्क्स। और मार्क्स का पैमाना एक ही है, आपकी याददाश्त। मार्क्स का पैमाना आपकी इंटेलिजेंस नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, मार्क्स का पैमाना है आप कितने बेअकल हो, आप कितने कामचोर हो, आप कितने नकारे हो, आप कितने तगड़े रट्टेबाज हो, आप कितने बढ़िया गुलाम हो, उसी के तो आएंगे ना मार्क्स। अगर मेरे में अपनी अकल है और मैं अपनी अकल से कुछ लिखाऊंगा कॉपी के अंदर, अपने मतलब का जवाब लिखाऊंगा, है तो टीचर नंबर काट देगा ना। इसका मतलब जो मैडम ने लिखवा दिया, जो मैडम ने नंबर वो मार्क करवा दिया, वही कॉपी में लिखना है, वही याद करना है, है? और उसी को आपने रिप्रेजेंट करना है। अगर आपने उससे इधर उधर कहीं गए तो आपके ऊपर ठप्पा लगा कि नहीं, आप अभी काबिल नहीं हुए हैं। अब मैं ये सोचता होता था कि ये पता कैसे चलता है कि कोई बच्चा काबिल है कि नहीं। भाई मान लो एक बच्चे की मां से पूछ कर देखो, मतलब दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चा कौन, उसके लिए तो उसका बच्चा सबसे खूबसूरत दुनिया में। उससे पूछ के देखोगे सबसे इंटेलिजेंट कौन, उसका ही बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है। सबसे अच्छा कौन, उसी का बच्चा है। तो फिर मेरा बच्चा भी अगर सबसे अच्छा है और आपका बच्चा भी सबसे अच्छा है, तो फिर वो स्कूल कौन होता है उसके ऊपर कोई मोहर लगाने वाला? और स्कूल में कौन है पता है आपको? मैं सरेआम खड़ा होकर के बोलता हूं स्कूल सिस्टम के बारे में, अभी इसको यहीं पे रोकता हूं मैं कि स्कूल कौन है, ये बात यहां पूरी करूंगा दूसरी बात से। मेरे जीवन का प्रवाह कैसे जाएगा बताता हूं। अभी क्या कर रहे हो बच्चे, आप पढ़ रहे हो क्या? लॉ में एडमिशन लिया, ड्रॉप लिया, गैप। किस में एडमिशन के लिए? नीट के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। हाँ, डॉक्टर बनने के लिए बच्चे ने ड्रॉप लिया बैठे बैठे। ऐसे ही बहुत से बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग के लिए ड्रॉप लेंगे, फिर वो जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो उनके घर वालों की इच्छा रहेगी कि हमारा बच्चा यूपीएससी का एग्ज़ाम में बैठे। बच्चे को भी यह रहता है कि मैं सबसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। यूपीएससी का एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुआ तो दो चार साल ट्राई करने के बाद उसको लगता है थोड़ी उम्र बची हुई है,
अभी मैं स्टेट सर्विस का एग्जाम दे देता हूँ, फिर स्टेट सर्विस के एग्जाम में भी नहीं होता है तो फिर एसएससी में एग्जाम देता है, फिर बैंक पीओ के एग्जाम देता है, और फिर और नहीं तो फिर चलो पुलिस की भर्ती में खड़े हो जाते हैं, चलो फौज की भर्ती में खड़े हो जाते हैं, चलो यहाँ भी सिलेक्शन नहीं होता है तो और कुछ नहीं तो क्लर्क वाला ही भर देते हैं, यूडीसी और एलडीसी का भर लेते हैं, उसमें भी नहीं होता है तो चाहे जो मर्जी फॉर्म निकले अब तो भर देते हैं, और जब कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो निर्णय लेते हैं चलो कोई नहीं फिर बीएडी कर लेते हैं। समझ रहे हैं? फिर वो बीएड की तरफ चलता है, और फिर वो बीएड करा हुआ फिर मास्टर बनता है, और वो मास्टर जी फिर बताता है आपका बच्चा निकम्मा है। यही आ रहा था मैं, है? ये ट्रेंड है हमारा। आप किसी पहली क्लास के बच्चे से तीसरी क्लास के बच्चे तक भी अगर आप जाएंगे ना, तीसरी चौथी तक भी, तो आप देखोगे कि आपका बच्चा अगर कोई गेम खेलेगा ना बच्चों में, तो टीचर टीचर वाला गेम खेलेगा कि मैं टीचर बनूंगी तुम लोग बैठो, छोटे भाई बहनों को वो टीचर बन के पढ़ाएगा वो उसको, क्योंकि वहां उसे वो टीचर अथॉरिटी दिखता है, क्योंकि वो टीचर उसे अथॉरिटी दिखता है। उस बच्चे का सपना मैंने दसवीं तक सेम रहते कभी नहीं देखा आज तक। अगर किसी ने आज से 10 साल पहले टीचर बनने का सपना देखा और वो बच्चा आज बड़ा हो गया 15-16 साल का, और जब वो 10th के बाद एग्जाम देने लगता है और उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि बच्चे बताओ अब तुम्हें क्या बनना है, उसमें कहीं भी टीचर बनना नहीं होता। फिर माँ बाप ये कहते हैं हमारा बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना है। कैसे करेगा भाई? बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के और दसवीं क्लास तक 16 साल तक आपने डिसाइड किया उसके कपड़े कैसे होंगे, आपने डिसाइड किया वो कहां रहेगा, आपने डिसाइड किया कहां पढ़ेगा, आपने डिसाइड किया सब्जेक्ट कौन से लेगा, टीचर कौन पढ़ाएगा, स्कूल कौन सा होगा, टीचर ने डिसाइड किया वो कौन सी किताब खरीदेगा, टीचर ने डिसाइड किया वो क्या लिखेगा, क्या याद करेगा, क्या एग्जाम देगा, कितने मार्क्स आएंगे, सब कुछ टीचर ने डिसाइड किया। और फिर दसवीं में आने के बाद फिर वो कहेगा अच्छा बैठ, सामने बिठा लिया, अच्छा बता के क्या करना है, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, जो तेरी मर्जी हो कर लियो। अगले ने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, सुबह उठा है स्कूल दौड़ गया, स्कूल में मैडम ने लेफ्ट राइट ही कराया है, नोट डाउन कराया, सैटरडे को टेस्ट हो गया, फिर महीने वाले दिन टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद में उन टेस्ट के लिए फिर पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई, पेरेंट टीचर मीटिंग में जिस जिसके बच्चे बड़े हैं तुम लोगों को एक ही बात सुनाई दे, तो बेटा यू कैन डू बेटर, यू हैव पोटेंशियल, यू कैन डू बेटर, वर्क हार्ड, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ। इसके अलावा किसी टीचर के पास कोई डायलॉग नहीं है ना, यही होता ना हर बच्चे के साथ टोटली। सेम डायलॉग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है किसी के पास उस बच्चे को देने के लिए। और यही मेरे बच्चे के साथ है, यही आपके बच्चे के साथ है, और अमेजिंगली पूरा समाज अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े बैठा है। पापा कह देते हैं हमने तो जो किया भाई कोई नहीं कर सकता, हमको अगर इतनी चीजें मिल जाती हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते, इतनी फैसिलिटी अगर हमको मिल जाती ना हम तो हैं धरती पलट देते। पापा मम्मी की ये कहानी है। टीचर ये कहता है हम तो जी सही से पढ़ाते सबको, ये देखो ये 4 बच्चे भी तो कर रहे हैं, अगर हमारे पढ़ाने में कोई दिक्कत होती तो ये थोड़ी ना कर लेते, अब ना तुम्हारे पढ़ाने में दिक्कत। स्कूल का मालिक कह रहा है कि मैंने तो जी बेस्ट टीचर ढूंढ के लगे हुए, इससे अच्छे टीचर नहीं है शहर में। मालिक में भी दिक्कत नहीं, टीचर में भी दिक्कत नहीं, माँ बाप भी सब कुछ बेस्ट दे रहे हैं, बस निकम्मा एक ही है वो बच्चा है? है ना कमाल। और फिर उस बच्चे, क्योंकि जिस बच्चे को आपने पैदा होते ही एक ही शब्द बोला है, आप
गौर करिएगा एक बारी, सिर्फ पूरा दिन एक जने की ड्यूटी लगाओ, जैसे मम्मी पापा की लगाओ, फिर पापा मम्मी की लगाओ, कि एक बार चेक करो दिन में मैं कितनी बार नो बोलता हूं। नो 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 बेटा, नो नो, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, कुछ भी हो जाएगा, 3-1 साल तक जब तक नहीं पहुंचता वो, उससे थोड़ा बड़ा है तो छोड़ो, मतलब उस बच्चे को नो का मतलब भी नहीं पता बेचारे को, लेकिन नो 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 नो, मैं किसी के घर चला जाऊं तो इस नो से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसका गला पकड़ के दबा दूं, कि तेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है, किसको नहीं समझ में आता। अब उस बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या होगा बताइए, जिसके ऊपर आपने कभी भी ट्रस्ट नहीं किया, नहीं किया ना, कभी आपने अपना पैसा उसके हाथ में नहीं थमाया कि तू इसको संभाल के देख, कभी कांच की बोतल या कांच का गिलास उसके हाथ में नहीं पकड़ाया कि तोड़ दे कोई चक्कर नहीं, मतलब टूट जाए तो टूट जाए कोई फर्क नहीं, मतलब पकड़ा देंगे तो ऐसे ऐसे करके नीचे नीचे हाथ रखेंगे कि बस इसके हाथ से गिरा मैं पकड़ लूंगा। एक अक्षर गलत होने की टेंशन इतनी होती है कि पकड़ के ठीक करवाएंगे, गलती नहीं करनी है ना, उसको गलत करने देते ना, उससे गलती होने देते ना, उसको अपनी गलती सुधारने का मौका देते ना, उसके ऊपर भरोसा करते, तो कल को वो बड़ा होकर के जिम्मेदार नागरिक बनेगा कैसे, जब उसको जिम्मेदारी लेनी ही नहीं सिखाई, जब उसको गलती करके सुधारना ही नहीं सिखाया, सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर हमारी परवरिश का जो तरीका है वो बिल्कुल एक ही है, डिट्टो, सभी मां बाप बिल्कुल एक ही तरीके से बच्चे की परवरिश करते हैं, मतलब चाहे स्कूल का सिलेक्शन करना हो तो भी पड़ोसी को देख करके, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना हो तो भी पड़ोसी या दूसरे लोग बच्चों को देख करके, या समाज में क्या चल रहा है उसको देख करके, कभी भी कोई मां बाप अपने जीवन में उस बच्चे को देखकर सिलेक्शन नहीं करता, वो बच्चा कहीं भी किसी के भी प्राथमिकता में नहीं है, ये विडंबना है और ये दर्द है हमारा। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि इसके लिए किसको समझाएं, क्योंकि हमने सबको समझाने की कोशिश करी, सबसे उम्मीद थी, पहले हमारे वहां एक सरकार थी उसके पास जाकर के धक्के खाए, 2014 से पहले 15 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च करी मोदी जी ने, पीएमओ जाकर उनको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि उससे पहले हम उस पोजीशन में आ गए थे कि हम लोग उस कैटेगरी में थे कि हम थोड़ा सा अपना मतलब दिखा सकते हैं कि भाई हमने कुछ स्पेशल किया है, जैसे यशस्वी है, वंडर किड ऑफ इंडिया के नाम से उसको जानते थे लोग, मेरे बेटे को 5 साल की उम्र में उसने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया था इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बन के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, लेकिन अब वो बन गया तो लोग कह रहे हैं कि ये बच्चे ही स्पेशल है, ये हमारे साथ शर्मा जी बैठे हुए हैं, रुपेश जी, ये आपके इंदौर से ही हैं, इनकी बेटी है कनक, मैं इनसे इसी सिलसिले में मिला था जब हम वंडर किड्स तैयार हो रहे थे, बच्चे तैयार हो रहे थे, तो जिन्होंने अपने अपने घर में एनवायरमेंट दिया और जो बच्चे के पास भी टैलेंट था वो दिखाई दे रहा था, तो इनकी बिटिया जब मिली तो वो बेटे से मेरे ख्याल 4-5 साल बड़ी थी और वो एकदम धारा प्रवाह संस्कृत बोलती होती थी, बोलती थी, बातें करती होती थी। अब हम सोचते थे कि यार ये बच्चे बड़े जीनियस है, दुनिया सोचती थी, मैं क्या सोचता था, बच्चे के पास वो टैलेंट है, उसके पापा मां बाप ने उसको वो एनवायरमेंट दे दिया और बच्चा खिल गया जैसे। और आपको बता दें वो अभी इस वक्त संस्कृत से शास्त्री कर रही है और गोल्ड मेडलिस्ट है वो अपने कॉलेज की। मोहित, अब मैं क्या कह रहा था आपको कि उसी वक्त आपने गौर किया होगा, एक बच्चा आया था कौटिल्य, उसके पास जो टैलेंट है उसके पेरेंट्स ने उसको अवेलेबल करा दिया, वो अपने सब्जेक्ट में खिल गया, फिर कहते जीनियस, अरे जीनियस नहीं, ये टैलेंट है, आपको वो दिखाना, जैसे यशस्वी था
वो मैथ साइंस में दुनिया को आगे दिखा रहा था बढ़ के। जिस वक्त बच्चों को स्कूल में सौ तक की गिनती सिखाई है, उस टाइम उसको सौ तक पहाड़े याद थे। जब वो उसको मतलब दुनिया ने मैथ्स नहीं देखा होगा तब तक वो पीरियोडिक टेबल कर चुका था, पूरी पीरियोडिक टेबल उसको याद थी। अब उधर कौटिल्य जो है वो दिखा रहा है अपना टैलेंट ज्योग्राफी में और मैप्स में, इधर कनक अपना एक्सपीरियंस दिखा रही है अपना संस्कृत में, भाषा में, जाह्नवी दिखा रही है भाषा में, वो अमर्त्या थी लड़की अमर्त्या सेन वो अपना जीके में। जिसके पास जैसा टैलेंट था उसको वो एनवायरमेंट मिल गया। इसको कैसे समझना है आपने? सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल, उसको सब जानते हैं इसलिए उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सचिन का भाई खेलने के लिए जा रहा है मंजरेकर सर के पास, सचिन नहीं जाता, सचिन तो अपने भाई के पीछे स्कूटर पर बैठ के जा रहा है। और जब वो कभी शॉट मारता है तो कोच साहब देख लेते हैं कि ये बच्चे का शॉट बड़ा बढ़िया यार, और कोच उसको भी कोचिंग देना शुरू कर देते हैं। तो वो जो मंजरेकर के पास खेलने वाले दोनों भाइयों में से सचिन के बड़े भाई का नाम भी कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से वो खेलना शुरू किया। और सचिन जो है वो क्रिकेट में कितने टॉप पोजीशन बुलंदियों पर पहुंचा, और सचिन कभी अपनी औलाद को नहीं बना पाया अपने जैसा। उसके पास तो ना कोचिज की कमी, ना पैसे की कमी, ना सुविधाओं की कमी, किसी चीज की कमी नहीं है। ना अमिताभ बच्चन अपनी औलाद को अपने जैसा बना पाया, ना लता मंगेशकर अपनी औलाद को अपने जैसी बना पाई। क्यों जी? इसका मतलब क्या हुआ कि सुविधाएं भी केवल वहां काम करेंगी जहां टैलेंट होगा। अगर आपके बच्चे में इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, आप जितना मर्जी जोर लगाते रहिए, एक दिन उसने उस चीज को छोड़कर भागना ही है। अब यह तय आपको करना है कि आप अपने बच्चे को उस चीज का एक्सपोजर देना चाहते हो जिसको वो अपना पैशन बना ले, या उस चीज के लिए आप उसको तैयार करना चाहते हो कि आपको जबरदस्ती लगाए रखना पड़े, वो भी अपनी जिंदगी को ढोता रहे और साथ में फ्रस्ट्रेशन भी पालता रहे, अपने रिश्ते भी खराब करता रहे, आपके साथ भी रिश्ता खराब हो, आने वाले टाइम में वो अपने परिवार में भी ठीक से रिश्ते ना निभा पाए। क्योंकि यदि मैं फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा तो मैं किसी और के सुख की कामना कभी नहीं कर सकता, और अगर मैं खुश रहूंगा तो मैं कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। यानी कि संसार में सुख और शांति के लिए सबसे पहला नियम है कि मैं अपने जीवन का अधिकतर समय अगर खुश होकर बिता रहा हूं तो मैं बराबर वाले को कभी दुखी नहीं करूंगा। ये मैंने समझा अपने जीवन से। आप इसको कैसे समझते हैं ये आपके ऊपर है। और अब बात आती है कि मेरी खुशी किसमें है। महाभारत के बारे में लगभग सबने सुना होगा। द्रोणाचार्य के पास जब कौरव पांडव जाते हैं तो द्रोणाचार्य डिसाइड करते हैं कि हमने किसको गदा सिखानी है, किसको तीरंदाजी सिखानी है, किसको भाला देना है, किसको तलवार सिखानी है, है ना? जिस वक्त वो अज्ञातवास में थे तो मेरे ख्याल से मगध नरेश के यहाँ रहे थे कुछ साल वो लोग। वहाँ नकुल जो है वो अस्तबल के अंदर घोड़ों की रखवाली करता था। उसका घोड़ों के ऊपर या मतलब गाय भैंस बकरियों के ऊपर यानी एनिमल्स के ऊपर इतना बड़ा अध्ययन था कि उसने वहाँ से नकुल संहिता लिखी। अगर वो उसके अंदर इनबॉर्न नहीं होता, अगर भीम के अंदर रसोईया बनने का टैलेंट यानी देखिए एक तरफ वो गदाधारी है, एक तरफ वो रसोईया है, दूसरी तरफ आप उसको देख रहे हैं नकुल को तलवार कितनी शानदार चलाता है, दूसरी तरफ वो एनिमल्स को कैसे संभाल रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको? वहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक बच्चे के पास केवल एक टैलेंट नहीं होता? दूसरी बात, अगर उसको टाइम पर वो स्किल अगर आपके बच्चे के पास है तो वो युद्ध में भी काम आएगी और वो बुरे टाइम में भी काम आएगी।
उस बच्चे को अगर स्किल सिखा दी, और अगर नंबर नंबर लेने सिखाए हो तो कहां काम आते हैं भाई? ये जो कोविड वाला जो टाइम बीता, इसमें किसी डीसी को बात समझ में नहीं आई, है ना, किसी डॉक्टर को बात समझ में नहीं आई, कॉमन सेंस मर गया लोगों का, साइंस की हत्या कर दी उन्होंने, साइंस की, समझे ना। मतलब बचपन से सिखा रहे हैं कि जीवन के लिए सबसे उपयोगी जो मतलब गैस है वो ऑक्सीजन है, वायु, प्योर ऑक्सीजन टॉक्सिक होती है, तो अस्पतालों में प्योर ऑक्सीजन दे दे के उनका इतिश्री किया गया, प्योर ऑक्सीजन की थोड़ी सी डोज बढ़ा दो जिंदा नहीं रह सकता आदमी, आपको हवा ही लेनी पड़ेगी, हवा में 21% ऑक्सीजन है, तो अंदर सिस्टम है, अपने आप निकाल लेगा उसमें से वो ऑक्सीजन, और उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। किसी ने नहीं पढ़ा कि 2017 में बिल गेट्स बोल चुका है कि क्लाइमेट के ऊपर खतरा है और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कारण है, और दुनिया को, धरती को बचाने का एक ही तरीका है कि लोगों की और जानवरों की सांस रोक दी जाए। आपने सुनी उसकी वो बात, है ना, यूजलेस ईटर बोलते हैं वो हमको, यूजलेस ईटर, कि आप किसी काम के नहीं हो, इनको तो मर ही जाना चाहिए। अभी तो उन्होंने ऐलान किया था कि गाय के डकार से मिथेन गैस निकलती है, इसलिए गाय को भी मास्क लगाना जरूरी है। अब आप समझ सकते हैं वो क्या क्या फरमान जारी करने वाले हैं हमारे लिए। ऐसा कैसे हुआ कि कोई नेता, कोई डॉक्टर, कोई पॉलिटिशियन, कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार, कोई ब्यूरो चीफ, कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, या मतलब कोई भी आपके सामने नहीं आया सच्चाई बताने के लिए, हैं? अरे हम तो तब आए जब उनका इंतजार कर करके। मैं आपको बताता हूं, मैं जब शुरू हुआ ये पूरा खेल, तो पहले दिन जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया एक दिन का, तो एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी कह दिया। मेरा एक दोस्त वहां सीएमओ में जॉब करता था, मैं तो पट पहुंचा उसके पास, मैं कहा कागज बना के दे मुझे, मुझे तो पता है, क्योंकि मैं तो इसके आने से पहले बता चुका था कि फ्रॉड है ये और ये होएगा, यानी कि ये लॉकडाउन लगेगा, ऐसी बीमारी आएगी, आपको घरों में कैद किया जाएगा, 2015 से बता रहे थे लोग बाग, लेकिन नहीं सुना किसी ने, तब तो ये लगता था ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब मैं तो अपना कागज बनवा के मैं तो पूरे शहर में घूमा, मैंने तो देखा तमाशा, कैसे ब्रेन वॉश्ड लोग हैं, तालियां थालियां बजाई, तब भी देखा मैंने उत्तरे की कत्ती मत्ती मारी जा चुकी है, ये तो टेस्टिंग चल रही है कि गधे कितने हैं, हैं? अच्छा, वही होता है गधा, बेचारा धोता रहता है, अकल का इस्तेमाल करता नहीं। अब मैं उसको देख रहा था कि अगले दिन मैं निकला, और मैंने कभी मैं लॉकडाउन में घर नहीं रहा, मतलब वैसे अपनी मर्जी से रहा तो रहा, चल अब नहीं जाना, बट अपने पास कागज थे, और मैंने पूरे खेल को समझा। मैं लोगों के घर जाता, अरे बाहर रहो बाहर, मैं उनको समझाता, नेताजी गजब का मौका है, बोलिए, जनता के हीरो बन जाओगे अगर सच्चाई खोल दी तो आपने, मैं एविडेंस दूंगा, मैं सबूत दूंगा आपको सारे षड्यंत्र के, भाई मीडिया खा जाएगी, मीडिया हमारे खिलाफ हो जाएगी, सारा तंत्र खिलाफ हो जाएगा, इतने डॉक्टर पागल है क्या, अरे ज्यादा संख्या जिधर है उस उधर वालों को सच मान रहे हैं, तो फिर तो तुम्हारे में और ये धर्म गुरुओं के चेलों में क्या फर्क है फिर, तो वही है। अब एक बलात्कार के आरोप में जेल में पड़ा है और बाहर उसकी पूजा हो रही है, फिर तो उनमें और इनमें क्या फर्क है, हमारे भी तो शरीर के साथ छेड़खानी हुई ना, मैं तो इसको मेडिकल रेप बोलता हूं, जो लोगों को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन एनी हाउ, अब वो क्यों नहीं हुआ, मैं जो सवाल था वो सबसे बड़ा वो यही था कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में एक डॉक्टर बाहर आकर के नहीं बोला भाई साहब,
ये हद थी इस देश के अंदर नपुंसकता की, जबकि अमेरिका के अंदर 5,000 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था यूरोपियन यूनियन के, द ग्रेट रेजिग्नेशन के नाम से, कि हम ये नरसंहार नहीं कर सकते, तुम हमसे गलत काम करवा रहे हो। लेकिन उस खबर को भी नहीं आने दिया, उस खबर को भी नहीं आने दिया उन्होंने इंडिया तक। अगर आ जाती तो कोई जमीर वाला डॉक्टर बोल ही पड़ता। पीजीआई का मैं पोस्ट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो एक ही अधिकारी होता है, टॉप मोस्ट अधिकारियों में से एक, जो कोरोना के टॉप मोस्ट अधिकारियों में से एक, वो क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब मतलब मैंने खेल देखा, जो इस वैक्सीन का जो अप्रूवल था उसके लिए पीजीआई से कौन गया था रेकमेंड करने के लिए आईसीएमआर में, मालूम है? डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन का डॉक्टर। स्किन का डॉक्टर किसी इंजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए गया, बोला मेरे को तो तभी समझ आ गया था। फिर हम आईसीएमआर की मीटिंग में गए, वहां हमने कुछ सवाल उठाए तो हमको डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने साफ साफ बोल दिया, आप ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, लंच टाइम में अलग से बात कर सकते हैं, टेबल पर सच्चाई बोलना अलाउड नहीं था। वो तो उसने अगले ही महीने रिटायरमेंट ले ली कि भाई समझ में आ गया पूरा खेल चल रहा है। मेरे पास बात करी, मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर मैं आपको मंच देता हूं, बोलेंगे आप? और अगर आप बोलेंगे तो पूरा देश जाग जाएगा। नहीं बलारा साहब, मैं बोल नहीं सकता। लानत है तुम्हारी एजुकेशन के ऊपर ना, मतलब मैं लिटरली बोला उनको, लानत है तुम्हारे ऊपर, मतलब सारी जिंदगी तुमने इस समाज का खाया, इसका दिया हुआ खाया, और अब जब इस समाज को तुम्हारे जैसे ज्ञान की जरूरत है, तुम्हारे बोलने से करोड़ों जिंदगियां बचेंगी अगर आज तुम बोलोगे तो। लेकिन मजाल नहीं उस आदमी की जबान से निकलाओ, भला ऐसे किसी सभा में बैठे और कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो चुप हो जाता था ना, पहले रिकॉर्डिंग बंद करो भाई, मेरी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, यहां 20 लोगों को तो बता दूंगा। अरे बाहर कैसे पता चलेगा दुनिया को कि फ्रॉड हो रहा है उनके साथ में? मैं ये क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आपने अगर नंबरों के पीछे भागने वाली औलाद बनाई टैक, वैसे अगर उसकी जिंदगी तय करी तो वो समाज के लिए कोड हो जाएंगे, कोड। ऐसी औलाद का करेंगे भी क्या हम, जो औलाद सच्चाई के टाइम पे बोल नहीं सकती, जो अपनी सभ्यता नहीं बचा सकती, जो अपने देश के लोगों के लिए कड़ी नहीं हो सकती, ऐसी औलाद का क्या करेंगे? बोझ ही तो है फिर वो, मतलब रुपए रुपए कमाने के लिए औलाद पैदा करी है क्या फिर? सिर्फ टकसाल लगा लो फिर तो एक घर में नकली नोटों की, फिर औलाद पैदा करने की क्या जरूरत है? नशा बेच लो फिर तो इससे अच्छा, अगर पैसे ही कमाने के लिए औलाद बढ़ानी है तो। मैं ये समझता हूं औलाद का काम क्या है, कि जो हमारे पुरखों ने हमको सभ्यताएं दी, जो हमारे पुरखों ने हमको ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आगे तक कौन लेके जाएगा? ये पढ़ाई लिखाई का पर्पज क्या है? मैं पढ़ाई लिखाई का पर्पज व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि जो मुझसे पहले के मेरे लोगों ने सीखा था आज तक, वो सीखा हुआ सीख करके अगली पीढ़ी को क्या देना है, ये है मेरी पढ़ाई लिखाई का शिक्षा का मतलब। और हमने उसको नौकरी पाने का जरिया समझ लिया, हमने उसको नौकर बनने का जरिया समझ लिया। नौकर भाई, नौकरी तो नौकर ही करेगा ना। मैं किसी से पूछता हूं, कोई मुझसे बोलता है कि जैसे अभी बेटे का 10th का एग्जाम था, तो स्कूल वालों ने बोला कि लगवाना पड़ेगा जी, दोनों की दोनों लगवा के आनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा जी मेरे वाला बच्चा नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा जी स्कूल में नहीं एंट्री देंगे। हमने कह दिया जी हम स्कूल के बाहर धरना देंगे, देखी जाएगी, हम तो बिना लगाए आएंगे, देखी जाएगी। और 16 फरवरी की ही बात है, अभी 3-4 दिन पहले ही मेरी वो मेमोरीज में वो वीडियो थी, हमने कहा कि हमारा मेरा बेटा और मेरी वाइफ जाएंगे स्कूल में, अगर स्कूल वालों ने घुसने नहीं दिया तो बाहर बैठ करके धरना लगाएंगे। आसपास के लोगों से गुजारिश है कि खाने का अरेंजमेंट कर देना, शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने ये वीडियो बनाई, स्कूल में उनको एंट्री दे दी। स्कूल वालों ने कहा अगर यहां कैंप लगेगा तो हमको लगाने पड़ेंगे। मैंने सीधा बोल दिया मैं कंधे में हाथ नहीं छोड़ूंगा उस मास्टर के जिसने मेरे बच्चे को हाथ लगा दिया। मास्टर जी बोले धमकी नहीं दे रहे हो,
छोड़ूंगा नहीं, गलती मत करना, मैं अपने मेरे बच्चे की छुट्टी कर देना, मैं अपने बच्चे को अनपढ़ रख लूंगा, तुम्हारा कागज का टुकड़ा क्या काम आएगा, सोच के देखो। पढ़ा लिखना बहुत जरूरी है। मैंने पूछा किस लिए, किसके लिए, तो कुछ करना है जिंदगी में, हाँ बताइए ना क्या करना है जिंदगी में, जिसके लिए तुमको ये कागज का टुकड़ा चाहिए, बीए, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमबीबीएस, ये इंजीनियरिंग की डिग्री किस लिए चाहिए, कुछ करने, कुछ क्या, कहीं जॉब लगने के लिए, मतलब नौकर बनने के लिए ना भाई। नौकर बड़ा हो छोटा हो, सरकारी हो प्राइवेट कंपनी का हो, नौकरी बनने के लिए चाहिए ना, जिंदगी जीने के लिए तो नहीं चाहिए, भाईचारे के लिए तो नहीं चाहिए, रोटी कमाने के लिए पैसा वो नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, उसके लिए तो काम चाहिए, उसके लिए तो स्किल चाहिए, उसके लिए तो समझ चाहिए, उसके लिए तो समाज चाहिए, समाज, समाज सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां क्या किया इन्होंने, पूरे समाज को तोड़ दिया। इसलिए सभी मां बाप अपने अपने बच्चों की परवरिश पर जुट गए हैं, इसलिए अपने अपने बच्चों पे लग गए, तो सारी टेंशन किसकी, मां बाप की। अब मां बाप को अपनी टेंशन, तो अब क्या हुआ कि बच्चे के नंबर अगर कम आएंगे तो समाज में उसकी मां अपनी किटी पार्टी में बता नहीं पाएगी कितने परसेंट आए, इसीलिए उसको बच्चे के नंबर चाहिए कि कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे कि तेरा बच्चा फेल हो गया तो हो गया, क्या हो गया भाई हमारे वाले का, हम तो कह देंगे हो गया तो हो गया, इसमें क्या है, तुम थोड़ी ना डिसाइड करोगी मेरी परवरिश को। परवरिश का एक ही पैमाना है कि जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो तब आप उसके साथ कितने दिल से जुड़े हुए हो, तब वो आपको कितना समझता है और आप उसको कितना समझते हो। अगर ये नहीं है ना समझना आपस में, फिर कुछ नहीं है, ना उन नंबरों का कुछ आना, ना उस पैसे का कुछ आना। दुनिया जहान के लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग कराने अपने बच्चों की। मैं एक बार की बात है, मैं नाम नहीं लेता, कोई एक बड़ा नेता था सत्ताधारी पार्टी का, वो आ गया अपने बच्चे की काउंसलिंग के लिए। नौवीं क्लास में था उसका बच्चा, जब बात बताऊंगा तो उसके आसपास के लोग समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूं, वहां वाले। उसको एक हॉस्टल में करवा दिया, वहां मास्टर की टांग तोड़ के आ गया लठ मार के, हॉस्टल की दीवार से पीछे कूद के गली में सड़क पे और ट्रकों में बैठ बैठ के घर आ गया। घर आ गए अपने बापू की अलमारी से पिस्टल निकाल ली कि मास्टर को मार के आऊंगा। सारा दिन पढ़ ले लगा रहता है। उसका फोन आया कि देवेंद्र भाई मिलना है, मैंने कहा आ जाइए, मिलने गया। वो आए चंडीगढ़, पूरी काउंसलिंग हुई, डिस्कशन हुआ, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब कितना टर्नओवर होता है साल का, मैंने भी पूछ लिया, मैं कहा प्रॉपर्टी कितनी बना ली आज तक, रियल एस्टेट किंग हैं वो। छोड़ो डॉक्टर साहब क्यों हंसी मजाक उड़ा रहे हो, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा भाई साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं अंदाजन आपकी कितनी प्रॉपर्टी होगी। अब उस आदमी के सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनियां चलती हैं, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। रियल एस्टेट किंग बोलते थे उसे, किसी टाइम पे पूरे हरियाणा, यूपी और पंजाब के जमीनों के रेट उनके हिसाब से चलते थे। तो उसने मुझे बताया कि अभी अभी जो पिछला चुनाव लड़ा था उसमें उसने अपना टर्नओवर भरा था 6,000 करोड़। ये तो वो था जो सरकार को बताया था कि इतने की प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं। तो मैंने कहा ये 6,000 करोड़ में से कुछ करोड़ रुपए अपने बच्चे के ऊपर खर्च नहीं करे गए आपसे? तो वो आदमी मुझे ये कहता है, डॉक्टर साहब अगर आप मेरे दिल की हालत पूछो ना, मैं अपने 6,000 के 6,000 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं अगर कोई मेरे बच्चे को संभालता हो तो। पर कोई संभालता ही नहीं, जो संभालने का आता उसी को गोली मारने चलता है। तो मैं कहा अब तो ये मेरे किसी काम के नहीं है 6,000 करोड़। तो उसके जाने के बाद मैं अपनी वाइफ से कह रहा था,
मखा ले भाई 6,000 करोड़ से तो ऊपर आप आए हो गए अब क्योंकि हमारा हमारे बच्चे से जो रिश्ता है वो इतना अल्टीमेट है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि हमें उससे नंबर नहीं चाहिए, हमें उससे मार्क्स नहीं चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं करता, हमें उसकी गुलामी भी नहीं चाहिए, वो अपनी मर्जी से उठे अपनी मर्जी से जाए, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड अपना काम कर रहा है, तो अपन ने इतने पैसे तो पूरे कर लिए, अगला अभी देने को तैयार है। मेरा कहने का मतलब क्या था, यदि आपका अपने बच्चे से रिश्ता नहीं है, यदि आप अपने बच्चे के नंबरों को या उसके तनख्वाह को अपना प्रेस्टिज इश्यू मानते हैं, तो मैं इससे खराब बात कोई नहीं मानता जी। भाई मेरा बच्चा चाहे 5,000 कमाता है, चाहे 50,000 कमाता है, मुझे इस बात की शांति होनी चाहिए कि मेरा बच्चा किसी के साथ ठगी नहीं करता, मेरा बच्चा ईमानदारी की जिंदगी जीता है, मेरा बच्चा सच की लड़ाई लड़ता है, मेरा बच्चा समाज का नुकसान नहीं करता। इन नेताओं ने जो हजारों करोड़ कमा रखे हैं, ये जो डॉक्टर्स 2-2, 3-3 लाख रुपए की सैलरी लेते और अस्पताल चलाते हैं, ये जो पत्रकार पूरे पूरे चैनलों के मालिक बने बैठे हैं, इनमें से एक भी आदमी समाज को बचाने नहीं आता, आप इनकी इज्जत करोगे क्या? मैं तो नहीं करूं भाई, मैं नहीं करूंगा। मैं तो उस आदमी की इज्जत ज्यादा करूंगा जो आदमी अपना सब कुछ त्याग के भी समाज के लिए काम करता हो, और होता है हमारे यहां ऐसे लोगों का। तो फिर हमें बाकी लोगों का तो करें, अभी हम यहां बैठे हैं, पिछला जो हमारा हुआ था ये जैनों का है क्या कल्पित है? अब ये जैन धर्म के लोगों का स्थान है जहां हम बैठे हुए हैं। जैन मुनियों की हम लोग पूजा करते हैं, मतलब उनके आगे नतमस्तक होते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मतलब वो उस आदमी का सम्मान करते हैं कि उसके त्याग का करते हैं, ये बताओ। वो उनके त्याग का सम्मान होता है ना, उसने सब कुछ त्याग दिया तो उसका सम्मान है, और हमारा बच्चा ईमानदारी से जिए तो उसका सम्मान नहीं करेंगे हम हैं? तो वो तो त्याग ही है, वो भी तो भाई लालच त्याग दिया उसने, नंबर त्याग दिए उसने, नौकरी त्याग दी उसने सच्चाई के लिए, तो वो जो इंसान जो साधु नहीं बना, वो जो इंसान जो समाज के अंदर सच की लड़ाई लड़ रहा है, वो भी तो किसी साधु से कम नहीं मानता मैं, तो उसका क्यों नहीं है भाई सम्मान? उसके नंबर ही क्यों चाहिए? उसकी नौकरी के ज्यादा ही उसका वो क्या पैकेज बड़ा क्यों चाहिए भाई? पैमाने बदलने पड़ेंगे समाज को अपने, कि तुम किसी की इज्जत करने के तुम्हारे क्या पैमाने हैं। अगर ये पैमाने नहीं बदले तो हम अपनी औलादों को अपने हाथों से नरक का संसार देने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति शराब का धंधा करता है तो जिस मर्जी पोस्ट पर हो उसको लानतें मिलनी चाहिए। अगर कोई ड्रग्स का धंधा करता है, अगर कोई झूठ का कारोबार करता है, अगर गलत तरीके से पैसा कमाता है, तो उसको कभी भी कहीं इज्जत नहीं मिलनी चाहिए समाज के अंदर। और अगर कोई व्यक्ति सच की लड़ाई लड़ रहा है और वो थोड़े पैसे भी कमा रहा हो लेकिन समाज के बारे में कुछ कर रहा हो, तो उसी का सम्मान होना चाहिए, केवल रस्ते का सम्मान होना चाहिए, पद का नहीं। अगर नकल मार करके कोई टीचर बन गया तो उसको टीचर का सम्मान कभी नहीं मिलना चाहिए। जो केवल बच्चों के बारे में सोचता है, केवल उस टीचर का सम्मान होना चाहिए, और उसी दिन आपका बच्चा फिर वो काम करने के लिए प्रेरित होगा कि मुझे, क्योंकि किसी को पैसा नहीं चाहिए जीवन में, मैं आपको बता रहा हूं, किसी को भी नहीं चाहिए। पैसा केवल इसलिए कमा रहा है कोई भी इंसान कि उसको समाज में खड़ा होने के लिए, इज्जत से खड़ा होने के लिए स्वीकार्यता चाहिए कि मुझे भी एक्सेप्ट कर लें। अगर मैं फटे हुए कपड़े पहनकर आता हूं और मेरी तरफ लोग घिन की दृष्टि से देखते हैं, तो मैं अपने कपड़े ब्रांडेड पहनने की कोशिश करूंगा, लेकिन यदि मेरे फटे हुए कपड़ों में भी मेरे त्याग या मेरी भावना या मेरे कार्य को इज्जत मिले, तो मुझे कपड़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई, फर्क ही नहीं पड़ेगा कैसे। अगर कोई कपड़े पर टोंट ही नहीं कसेगा, अगर कोई उसकी इनकम पे टोंट नहीं कसेगा, अगर कोई उसके रंग पे टोंट नहीं कसेगा, अगर वो उसके पद पे या उसके पैसों पे नहीं कसेगा, केवल उसके कार्य की ही समीक्षा होगी,
कार्य कैसा कर रहा है समाज के लिए, तो व्यक्ति कार्य पर ध्यान देना शुरू कर देगा ना। और यदि आप अपने बच्चे को बताओगे देख वो उसने इतने इतने लाख की कोठी ले ली, इतने लाख का मकान ले लिया, उसने ये गाड़ी ले ली, वो उसका सिलेक्शन वहां हो गया, उसने वो नौकरी मिल गई, तो हमारा बच्चा भी फिर पैसे की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देगा। फिर वो कहेगा हमको पैसा कमाना है, ऐसी तैसी कराओ, दुनियादारी झूठ सच। और ये हो रहा है आज, क्योंकि हमने रिस्पेक्ट ऐसी चीजों को दी जो सही नहीं थी, तो हमारा बच्चा गलत रास्ते चल पड़ा। कई लोगों को यह लगता है, कई लोग हमारे पास आते हैं और वो हमको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की काउंसलिंग कर दो। मैंने कहा क्या काउंसलिंग करनी है? कि वो हमारा कहना नहीं मानता। मैंने मान लो अगर मुझे कोई ये बोल दे कि वो हमारा कहना नहीं मानता, तो मेरा एक ही जवाब होता है मुबारक हो, आपका बच्चा अभी आजाद है। अगर वो आपका कहना नहीं मानता, अगर वो आपका कहना नहीं मानता मतलब अभी उसने गुलामी स्वीकार नहीं की है। अगर कोई ये कह दे हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, जैसे मुझे मेरे बच्चे के स्कूल टीचर ने बोल दिया जी पढ़ता नहीं है जी देख लो, तो मैंने कहा आपके टीचरों को पढ़ाना नहीं आता होगा। ऐसा कौन इंसान है जो अपना दिया हुआ काम नहीं करना चाहेगा? भाई आपको मैंने काम दे दिया, आप उस काम से काम चोरी केवल दो कंडीशन में करोगे, या तो आपको उससे ज्यादा बेहतर काम आता है दूसरा कोई और करना और आपको मैंने वो नहीं दिया, जो काम दिया है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आपको सिखाया नहीं है किसी ने वो काम करना, तो आप ये सोचो गलत हो जाएगा तो क्या फायदा, तो इससे अच्छा ना ही करूं। अदरवाइज कोई बच्चा अपने मां बाप की नजरों में और अपने टीचर्स की नजरों में नीचा नहीं दिखना चाहता, कोई नहीं चाहेगा कि उसे रोज डांट पड़े। तो यदि वो ऐसा नहीं कर पा रहा तो आपसे हमसे टीचर से गलती हुई है उस बच्चे को समझने में, और जिस दिन यह गलती हमने स्वीकार कर ली उस दिन हम कार्रवाई चालू करेंगे उल्टी। क्योंकि मेरा यह मानना है अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो वो बच्चा फेल नहीं हुआ, या उसके मां बाप फेल हुए, या उसके टीचर फेल हुए, या उसका स्कूल फेल हुआ, या उसकी व्यवस्था फेल हुई, वो सिस्टम फेल हुआ है, वो बच्चा फेल नहीं हुआ। बच्चा तो ओरिजिनल है, नेचुरल है, वो तो जैसा है। उसको तैयार करने का काम समाज का था, समाज अपने काम में नाकाम हुआ तो अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ना है, अपनी नाकामी का ठीकरा किसी पर फोड़ना है, और इसीलिए फिर सारा कसूर सबसे आखिरी आदमी का आता है। जैसे कंपनी में जब कंपनी का मालिक किसी सीईओ को धमका दे, सीईओ मैनेजर को धमका दे, मैनेजर सुपरवाइजर को धमका दे, सुपरवाइजर आके वर्कर को धमका दे, वर्कर फिर घर आके लुगाई को धमका दे, लुगाई फिर बालक ने पीट, देख तू पढ़ता नहीं, ऐसे चलती है ये प्रोसेस कि हर व्यक्ति अपने से निचले पद वाले के ऊपर अपना मतलब गलती का कारण थोप देता है, वो फिर नीचे जाते जाते सबसे आखिर में बच्चे के ऊपर जाके टिकती है कि तूने लोह पी लिया मेरा। और फिर जब वो वहां जाती है उस बच्चे को कभी समझ में नहीं आता कि मेरी गलती क्या थी। ये मेरे साथ हुआ कई बार, मतलब ऐवे टिक जाता था थप्पड़, मैं गलती क्या थी ये तो बता दो। अब क्या बताएं, बच्चों से पूछने वाला कोई है नहीं। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं कई बार जब उन बच्चों की बातें याद करता हूं जब मैं रिसर्च के दौरान था ना, तो यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो कोटा में, सीकर में, दिल्ली में या बड़े शहरों में जो कोचिंग के लिए बच्चे गए हुए हैं, माँ बाप ने छोड़ रखे हैं, उनकी अगर अंदरूनी हालत को अगर समझ लें, अंदर की हालत को, तो खून के आंसू रोते हैं वो बच्चे, कोई सलूशन नहीं है उनके पास। और जो बच्चे नहीं रो पाते वो फिर ऐसे लोगों की संगत में पड़ जाते हैं, दसवीं क्लास का बच्चा नॉर्मल है बियर पी रहा आज के टाइम पे, क्यों भाई
ग्यारहवीं बारहवीं के बच्चे सिगरेट पीने लग गए हैं, बियर पीते हैं, है ना। और तुम कहीं कॉलेज कहीं चले जाइए किसी कोचिंग सेंटर में, उसके आसपास का माहौल देखिएगा, मतलब कबाड़ खाते हैं, कबाड़ पीते हैं, सारी सोच कबाड़ हुई पड़ी है। और कितने बच्चों की मालूम है? 99.9% की, क्योंकि उनको मालूम है कि हम कहीं नहीं स्टैंड करने वाले। जो माँ बाप उनको छोड़ आते हैं, ले आते हैं, लगे रहते हैं, खुद भी लगे रहते हैं, कोचिंग भी देते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, और ट्यूशन भी रख रखी है, होम ट्यूशन भी रख रखी है, जिसके पास पैसे का भंडार है वो अपने बच्चे को बिजी रख के थोड़ा बहुत बचा के रखा हुआ है, जो आम इंसान है उसके लिए अपना बच्चा बचाना इतना आसान नहीं है इस दौर में। तो आने वाले वक्त में ये हाल बुरा होने वाला है, और भी बुरा होने वाला है अगर इसके ऊपर प्रोएक्टिव होकर के काम नहीं किया तो। भाई दो रास्ते हैं अपने पास, अगर हमें मालूम पड़ जाए कि ये छत खराब हो चुकी है और अगली बारिश आएगी तो इसमें से पानी टपकेगा, तो बेस्ट ये है कि बारिश आने से पहले इसकी रिपेयर करवा ली जाए। क्यों जी? अगर आपके बच्चों के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है, उनके भविष्य के ऊपर, तो बेहतर है वो खतरा आने से पहले रिपेयर कर लिया जाए, तो आने वाले वक्त में हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हम अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद और गुलाम होते देखने के लिए अभिशप्त हैं, यदि हमने कुछ नहीं किया तो। इसी उम्मीद में हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसी उम्मीद में हम लोग घूम रहे हैं कि कहीं कोई लोग जाग जाएं, कहीं लोग उन बच्चों का कसूर निकालना बंद करके ये बड़ी पीढ़ी अपनी गलती मान ले कि हमसे गलतियां हो रही हैं, हम सुबह से शाम तक पैसा पैसा पैसा, नौकरी पैसा नौकरी पैसा में चक्करों में उलझे पड़े हैं, बच्चों पे फोकस कर लिए तो शायद अगले बच्चे बच जाएंगे। वरना आपके पास आपने बच्चों को दिया क्या है सोच के देखिए। खाने के नाम पर आप पैकेट वाला खाना देते हो, या खेतों में पड़े हुए पेस्टिसाइड वाला खाना देते हो, या प्रोसेस्ड फूड देते हो, शिक्षा के नाम पर रट्टा 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 देते हो, समाज के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना दादा दादी बचे, ना पड़ोस बचा, ना गांव बचा, ना शहर बचा, दोस्ती के नाम पर केवल क्लासमेट बचे हैं, और काम के नाम पर केवल नौकरियां बची हैं, और कुछ है क्या बता दो, और कुछ दे रहे हो तो नहीं दे रहे हैं? कुछ भी इसमें से जेन्युइन नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी नेचुरल नहीं है, कुदरत के खिलाफ है टोटली सब कुछ, और इसीलिए सारे हार्मोन्स गड़बड़ होते जा रहे हैं पूरे बच्चों के। उस अकेलेपन का ही फर्क है, आठवीं आठवीं क्लास के बच्चे पौन देख रहे हैं, पता है ना, तब तक हमें मालूम भी नहीं होता था, और सरकारें प्लान करके बर्बाद कर रही हैं। मालूम है आपको ये कितनी भयानक स्थिति है कि सरकार कहती है कि आपका बच्चा 16 साल की उम्र में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है कानूनी, और अगर वही बच्चा शादी करने का हो तो 21 से पहले शादी नहीं कर सकता। मतलब 5 साल तक वो अपने आचरण को कितना ही खराब कर ले, मां बाप उसको रोक भी नहीं सकते, कानूनी है। सरेआम कह रही है हम चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा, किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी, किसी ने विरोध नहीं जताया, कोई बोले तो उसको पागल। सर इसके साथ साथ वो जुए की ऐप वगैरह भी ऑनलाइन क्या क्या चल रहा है, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि ये वाली सट्टे वाली खेल खेलो, साथ में लिखते भी हैं इससे आदत पड़ सकती है, वित्तीय जोखिम का खतरा है, इसलिए ध्यान से खेलें, और एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है। यहां मैंने आपके शहर में लगे हुए देखे, 3 बड़े अभिनेता
एक शाहरुख, एक अक्षय कुमार, एक अजय देवगन, पान मसाला की, गुटके की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और हम बड़े मतलब उन लोगों को अपने हीरो मानते हैं, हद है। सोशल मीडिया पे लालच नहीं भेजी हमने, उनको गालियां हमने नहीं दी, हमने उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं किया किसी ने भी। कि आप में से सारे के सारे बुद्धिजीवी को खड़ा हो जाना चाहिए कोर्ट के अंदर कि काहे के अभिनेता इनको हम लोग टीवी की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं और ये हमारे बच्चों को गुटखा खाना सिखा रहे हैं। कि जब हमारा नेता, जब हमारा अभिनेता जो कि हीरो बना हुआ है, जो हमारे बच्चे उसको हीरो के तौर पर देखते, अगर वो पान मसाला खा रहे तो पान मसाला खाएंगे ना हमारे वाले, तो वही सिखा रहे हैं। जुआ खेलना वो सिखा रहे हैं, कीड़े खाना वो सिखा रहे हैं। आने वाले टाइम में सरकार का प्रोपेगेंडा एजेंडा 2030, तो रणबीर सिंह ने कीड़े खा के दिखाए अभी अभी मैन वर्सेस वाइल्ड में भी, और वैसे होटल के अंदर बैठ के वो खा रहा है कॉकरोच और वो चींटियां। और आने वाले टाइम में आपके बच्चों को खाने पड़ेंगे ये, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है अभी जो आपके बच्चों को चॉकलेट आनी शुरू हुई है, नई चॉकलेट आई है इंसेक्ट प्रोटीन की, जिसमें कीड़े मसल के ही दिए गए हैं। और वो है, हाँ, फूड में भी आ रहा है, फूड में ऊपर लिखा आता है इंसेक्ट प्रोटीन। और पूरा टीवी पे प्रोपेगेंडा चल रहा है कि आप खा के देखिए, कीड़ों में तो गजब का प्रोटीन होता है। अच्छा, फिर साथ में एडवर्टाइजमेंट चल रही है, एक भी फिल्म और एक भी सीरियल आज के टाइम का ऐसा नहीं है जो गे कल्चर को ना प्रमोट करता हो, लड़का लड़के से शादी, लड़की लड़की से शादी, और उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उसको नॉर्मल कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब तो कल छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करना भी नॉर्मल हो जाएगा, भाई मैं तो हुई ऐसा, मैं तो बनाया ऐसा हूं। है, समाज के लोगों को इसके लिए खड़ा भी होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इसके सेंटर में है, पूरा टारगेट बच्चे हैं। आपके मोबाइल का टारगेट बच्चे हैं, आपके टेलीविजन का टारगेट बच्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट का टारगेट बच्चे हैं, क्योंकि बड़ों को तो सबको वैक्सीन लग चुकी है ना, लग ली होगी। हाँ हाँ, उसके ऊपर बोल देंगे अभी, इसको वैक्सीन के ऊपर तो क्या ही बोलें आपको, रोक ही दे इसको भी। बस आप इसमें इतना ही समझ लीजिए कि ये लड़ाई असल में अगली पूरी पीढ़ी को बचाने की है, और इसके लिए हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इन तीन चीजों में से पैसा निकालना हमारा ध्येय है। अगर कोई हमसे पूछता है कि आपका अभियान क्या है, जैसे मेरा अभियान ये है पर्टिकुलरली कि हम जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं थ्रू आउट इंडिया, जो हम लोग घूम रहे हैं, उनका मकसद है कि शिक्षा पैसे से परे होनी चाहिए, चाहे आपके पास आपकी कमाई एक पैसा हो चाहे एक करोड़, आपके एक पैसे वाले आदमी के बच्चे को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो एक करोड़ वाला खरीद सकता है। यही काम हेल्थ के मामले में है कि यदि मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे इलाज पैसे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ऐसे तो सिर्फ अमीरों को ही जिंदा रहने का हक होगा। इसी तरीके से न्याय, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो न्याय पैसे पर आधारित नहीं होना चाहिए, फिर तो अमीर आदमी केस जीतते रहेंगे और वो तो न्याय केवल अमीरों को मिलेगा। और इसी, और फिर चौथे नंबर पे राजनीति, कि नेता अगर बनना है तो उसके लिए पैसा से केंद्र में नहीं होना चाहिए। हमारे घर में नेता पैदा हो सकता है, कोई भी बच्चा इतना अच्छा नेतृत्व दे सकता है समाज को। तो इसमें से ये कहने का मतलब ये हुआ है कि समाज में से शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय और राजनीति, इन चीजों से पैसा खत्म करना हमारा मकसद है, कि समाज बैठकर तय करे कि उनके बच्चे को कैसी शिक्षा चाहिए। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को भी कुदरत ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है, अब वो टैलेंट क्या है ये पता लगाना सबसे जरूरी चीज है। भाई आपके बच्चे के पास जो टैलेंट है, आपके पास दो रास्ते हैं उसको निखारने के। एक तो ये कि आप अपना गांव, अपना शहर छोड़कर बड़े शहर में शिफ्ट हो जाइए और उस शहर में
बढ़िया टीचर ढूंढिए, उसके लिए घर का एक व्यक्ति 24 घंटे उसके साथ चाहिए आने जाने के लिए, और फिर बाद में उसके रिजल्ट देखिए 15 साल 20 साल के बाद। एक तो रास्ता है ये। दूसरा रास्ता ये है, पूरा गांव ये तय करे कि मेरे पूरे गांव में इतने बच्चे इस टैलेंट के हैं, इतने बच्चे इस टैलेंट के हैं, इतने बच्चे इस टैलेंट के हैं, और उन बच्चों के उस टैलेंट को निखारने के लिए टीचर्स गांव में ही लाया जाए। तो कौन सा बेटर है? गांव वाला। समाज मिलकर तो ये तय कर सकता है, अकेला व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या आई? जब हम गांव वालों से बात करते हैं तो वहां एक समस्या है बड़ी। गांव आज केवल कुछ तबके तक सीमित रह गया। इसका मतलब क्या है कि जिस भी व्यक्ति को गांव के जिस भी व्यक्ति को बात समझ में आई या उसका थोड़ा सा पैसों का जुगाड़ हुआ, वो गांव छोड़कर भाग गया कि मैं तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर जा रहा हूं, यहां कुछ नहीं रखा गांव में। तो जो पैसे वाला आदमी है और समझ वाला आदमी है वो गांव छोड़कर शहर में चला गया। शहर में एक आदमी दूसरे आदमी को जानता ही नहीं है, केवल नंबरों से जानते हैं। ये 419 वाले भाई साहब हैं, ये 870 वाले शर्मा जी हैं, शर्मा जी का पूरा नाम तक भी नहीं पता होता वहां पे, है ना। अच्छा, गांव में जो समझ वाले थे वो निकल गए, तो जो गांव में रह गया वो केवल नेगेटिव आदमी रह गया। तो गांव में नकारात्मकता बढ़ती चली गई और शहर में बेरोजगारी बढ़ती चली गई। तो अब शहर भी बर्बादी की कगार पर आ गया और गांव भी बर्बादी की कगार पर आ गया। तो दोनों तबके बर्बाद होने की बिल्कुल कगार पर हैं। तो जो जो लोग गांव छोड़कर गए थे, अगर वो ऐसा सोच सकते हैं कि जाकर अपने गांव में काम करेंगे, या जो व्यक्ति मौजूद है गांव में और उसमें इतनी समझ बची हुई है तो वो गांव मिलकर अपने गांव को बचा ले। गांव के सभी बच्चों के लिए ऐसी शिक्षण व्यवस्था संभव है कि आपका बच्चा वही सीखे जिसके लिए बना है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग का इंतजाम गांव में ही हो, पूरा गांव मिलकर करे, और उस सीखने के बाद उसको समाज में कहां स्थापित करना है इसको भी तय समाज करे, उसके मां बाप ना करें। ताकि जब बच्चा बड़ा हो, मान लीजिए अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, दो दो पांच पांच साल के, अब इन बच्चों के लिए जितनी मेहनत हो रही है वो मेहनत कर रहे हैं उनके मां बाप, तो बच्चे को क्या फीलिंग रहेगी कि मेरे मां बाप ने मेरे लिए मेहनत करी। तो जब वो कोई बड़ा अफसर बन जाएगा या किसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा, क्या आपको लगता है कि वो वापस समाज के लिए कुछ करेगा या केवल मां बाप के लिए करेगा? भाई जो मेरे लिए करेगा मैं उसी के लिए करूंगा, ये सेंस एक नॉर्मल सेंस है। बच्चे को नहीं अकल होती कि मैंने किसके लिए करना है, लेकिन जो आपके लिए करता हुआ नजर आएगा आप उसी के लिए करोगे। तो जब छोटे बच्चे को यह महसूस होगा कि मेरा जो ये इंतजाम है ये मेरे मां बाप ने नहीं बल्कि मेरे समाज ने किया हुआ है, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा और कुछ करने लायक होगा तो पूरे समाज का करना शुरू करेगा, तब जाके समाज में बदलाव आना स्टार्ट होगा। तो आज अगर हम लोग शुरू करते हैं तो पहले 5 से 10 साल इस पीढ़ी के स्ट्रगल के होंगे। मान लो मैं आज शुरू कर रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 10 साल मुझे ऐसे ही बोलते रहना है। मुझे मालूम है कि इतनी आसानी से चीजें समझ में नहीं आती। ये जो पेड़ खड़े हैं बड़े बड़े, या कोई आपके घर में आसपास पेड़ खड़ा हो जिसकी छाया में आप बैठते हो, जो फल देता हो, उसका बीज छोटा सा ही था कभी, और वो पौधा था छोटा सा, अनुकूल वातावरण मिला तो वो बड़ा पेड़ बन गया। जिन पौधों को अनुकूल वातावरण नहीं मिला, किसी को भैंस खा गई, किसी को गाय खा गई, किसी को बकरी खा गई, कोई ट्रैक्टर के टायरों के नीचे आ गया, किसी को बच्चों ने उखाड़ के फेंक दिया, वो नहीं उग पाया। तो ये एक ऐसा पौधा लगाने की कोशिश है हमारी कि भाई अगर अनुकूल वातावरण मिला तो कल को समाज को फल देगा, अगर नहीं मिला तो ठीक है ये भी बाकी पौधों की तरह मर जाएगा। तो ये कोशिश है कि ये पीढ़ी एक बार ट्राई करके देख ले कि हमारे बच्चों के लिए तो हम लोग वो एनवायरमेंट नहीं बना पाए, क्या उनसे अगली पीढ़ी के लिए कुछ तैयार किया जा सकता है। क्योंकि अब सामाजिक ताना बाना, भाईचारा,
शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, सरकारी तंत्र और पूरी व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है। खुद सरकार करेगी इसको ध्वस्त, मैं आपको बता रहा हूं। खुद सरकार इस व्यवस्था को खत्म करने पे तुली है, इसीलिए हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार का बोलाबाला है, इसीलिए हर डिपार्टमेंट में नौकरियां कम से कम कर दी गई हैं, इसीलिए पूरे सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैमरा और इंटरनेट को लाया जा रहा है। केवल इंटरनेट और कंप्यूटर, 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सिस्टम तो ध्वस्त होने वाला है, अब निर्भर करता है कि आने वाला सिस्टम इन्हीं का चालू हो या हमारा अपना हो। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये सिस्टम हमारा अपना होना चाहिए। हम तय करेंगे हमारे बच्चे को पैदा होने के बाद कोई इंजेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। हम तय करेंगे हमारे बच्चे के पास जो टैलेंट है उसके हिसाब से उसकी जिंदगी तय होगी, और समाज तय करेगा उसको कैसी व्यवस्था चाहिए। अगर सरकारों के ऊपर भरोसे बैठे रहे तो बर्बादी ही बर्बादी होनी है, जो आज तक हुई है। खेतों में जमीन की बर्बादी हुई, जमीन वाले किसान की बर्बादी हुई, नौकरी वाला व्यक्ति अब सबसे ज्यादा बीमार आज के टाइम नौकरी वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसको फोर्स किया गया सबसे ज्यादा, और दुकानदार खत्म हो चुका है, मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो चुका है, या तो ऊपर वाले बचे हैं या नीचे वाले बचे हैं, और जो ऊपर वाला है वो ऊपर जाता जा रहा है, नीचे वाला नीचे जाता जा रहा है, मिडिल क्लास का सफाया होता जा रहा है। तो अब आपके ऊपर है आप किस तरफ चलते हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारे पास वो टेक्निक है, देखिए हमारे पास टेक्निक है, हम 3 साल की उम्र के बच्चे को भी उसका टैलेंट बता सकते हैं कि उसके पास क्या टैलेंट है, और इस पे काम करने वाला मैं इंडिया का पहला व्यक्ति हूं। तो मान लो आपके बच्चे के बारे में पता चल जाए कि ये इस लाइन पे है तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन मैं क्यों बताऊं भाई आपको, मैं क्यों बताऊं भाई, आप में तो मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं तो मैं आपके लिए क्यों करूं फिर, या कोई भी आपके लिए क्यों करे, सीधी सी बात है, कोई भी क्यों करे। तो इसलिए फिर हमने इसका एक तोड़ निकाला, क्योंकि हर कोई नहीं आ सकता। अब ये बताने की, किसी को भी बताने की, मैं इसकी फीस लेता हूं, 1.5 लाख रुपए फीस है एक बच्चे की। अब आम आदमी तो नहीं दे पाएगा, आम इंसान तो, गरीब आदमी तो नहीं दे पाएगा, खास तौर पे जिसको बचाने हम निकले हैं, गांव, गांव का आदमी नहीं दे पाएगा। फिर क्या हो, फिर हमने इसका एक इलाज ढूंढा, जो मैंने इसको बनाते टाइम कुदरत से प्रॉमिस किया था कि मैं इसका लाभ अपने व्यक्तिगत लग्जरी के लिए नहीं उठाऊंगा कभी भी, और मैं कभी गांव से एक पैसे का भी ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, ना लूंगा ना दूंगा, ना गांव को देने के लिए पैसे मेरे पास है ना मैं उससे लूंगा। तो क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने समाज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मैं अपना टाइम, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी दे सकता हूं, ठीक है ना। अगर आपको मेरा जितना टाइम चाहिए, मेरे को आप 20 बार इंदौर बुलाओगे मैं 20 बार आऊंगा। टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी दे दूंगा और ट्रेनिंग भी दे दूंगा, लेकिन आपके गांव के लिए करना पड़ेगा आपको, अपने समाज के लिए करना पड़ेगा आपको। आप अपनी सोसाइटी के लिए कीजिए, आप अपने समाज के लिए कीजिए। और इसके लिए मुझे एक ही तरीका समझ में आया, क्योंकि मैं आपके बीच आया हूं, मैं सिर्फ आपके बीच नहीं आया हूं, मैं पूरे भारतवर्ष में घूम रहा हूं कि कोई तो समझ ले, किसी तरीके से तो समझ जाओ कि आपके बच्चे बर्बाद होने की कगार पर हैं। अब मैं भी अपने बच्चे के लिए चिंता में हूं कि अभी हो जाएगा वो 18 साल का, मैं 18 साल का होते ही उसे मुक्त करने वाला हूं बिल्कुल। मतलब मैंने आज तक उसका कोई बड़ा जन्मदिन वन्मदिन कुछ नहीं मनाया, जिस दिन वो 18 साल का होगा उस दिन मैं उसे समाज को समर्पित कर दूंगा, भाई आज के बाद मेरा इससे कोई नाता नहीं, इसको जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा, ये मेरे से सलाह भी मांगेगा तो सलाह दूंगा, कुछ नहीं करता। और अपना करे, क्योंकि इसको मैंने इतना विजडम दे दिया कि ये अपने जीवन में अच्छे भले का
निर्णय ले सकता है, सोच सकता है। तो जब वो अच्छे भला निर्णय ले सकता है, अब उसे किसी चीज में जरूरत है तो मैं उसे हेल्प कर दूंगा। अब वो कहता है मुझे फलाने कॉलेज में दाखिला लेना है, तो ले ले, पैसे नहीं है तो ले ले, पैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि तू यहां दाखिला ले, मैं नहीं कहूंगा कि तू ये काम कर, मैं ये कहूंगा, वो कहेगा पापा मेरा ये काम करने का मन कर रहा है, तो मैं कहूंगा कर बेटा। थोड़े दिन के बाद कहेगा मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, तो छोड़ दे बेटा। फिर वो कहेगा अब मेरा ये करने का मन कर रहा, मैं कहूंगा कर, मैं तेरे साथ हूं। वो कहेगा अब मेरा इसका मन नहीं, तो अब छोड़ दे, फिर कोई चक्कर नहीं, मैं तेरे साथ हूं, क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए जीवन के किसी मोमेंट पे उसको यह महसूस होगा कि ये वाला काम करके मुझे बहुत मजा आता है, मैं सवेरे से लेकर रात तक ये वाला काम कर सकता हूं, जिसमें मुझे टाइम का भी फिक्र नहीं, जिसमें मुझे भूख प्यास का भी फिक्र नहीं, तो वो अपने आप ही कह देगा ये मैं नहीं छोड़ने वाला, तो फिर ठीक है, वहां भी मैं तेरे साथ हूं। इतना सही तो है। ये वो टाइम होता है जिसको मोक्ष की प्राप्ति का समय कहते हैं, और ये बिना ढूंढे, बिना सर्च किए, बिना भटके नहीं मिलता। मैं अपने जीवन में बहुत अर्ली स्टेज पर, बहुत पहले इस स्थान को प्राप्त हो गया मुझे। मैं अपने परमानंद में हूं 24 घंटे। जब मैं अपने परमानंद में हूं तो मुझे मालूम है ना उसका मजा कितना आता है। लेकिन दिक्कत यह है, मैं अपना तो परमानंद बता सकता हूं, मैं अपनी औलाद का नहीं बता सकता जनाब, क्योंकि वो उसका है, वो वही फील करेगा ना अपने अंदर से ही कि उसको कहां मजा आता है। तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी से मैंने ये पता कर लिया कि ये 3-4 काम ऐसे हैं जिनको करके इसको आनंद आएगा। मैंने उसको वो चीजें सिखा दी। सीखने के बाद अब वो मुझे बोलता है कि पापा अब मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बताता हूं। पिछले हफ्ते मुझे मेरा बेटा बोलता है, बैठे थे हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरे को बोलता पापा आप एक बात नहीं कहा करते थे कि तू मजे ले। जैसे वो मेरे को बोलता था कि पापा आप ना, आपके पास इतने सारे लोग आते हैं अपने बच्चों के बारे में पूछने कि मेरा बच्चा क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपने कभी मुझे तो बताया नहीं कि मैं किस काम के लिए बनाऊं। मैं कहा तू मौज लेने के लिए बना है। बोलता मतलब, मैं कहा जिस काम को करते हुए तुझे मौज आ जाए, मौज का मतलब मगर तेरे को और चीज तू भूलने लग जाए, तो समझ ले तेरे को वो मिल गया। वो कैसे पता चलेगा? मैं कहा वो मिलेगा भटक कर, एक जगह जाएगा, नहीं आनंद आया छोड़ आएगा, फिर नहीं आया छोड़ आएगा। तो अगर तेरे जिंदगी के 10-15 साल सिर्फ इस चीज को खोजने में भी लगते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तो बोलता है फिर ये कब तक लग जाए? कुछ नहीं पता होता इसका बेटा, हो सकता है तेरा पहला ही हिट सीधा हिट लग जाए छक्का, हो सकता है तुझे 10-15 साल तड़पना पड़े इसके लिए, पर तूने करना वही है जिसमें पूरा आनंद आ रहा हो, जिसके बाद तुझे किसी चीज की इच्छा ना रहे, जिसमें तेरे को पैसा कितना मिल रहा है, प्रतिष्ठा कितनी मिल रही है, इस सबसे ऊपर बस मजा आना चाहिए तेरे को करने में। तो मुझे पिछले हफ्ते बोल रहा, कहता पापा वो जो आपकी मजा वाली बात थी ना, अब समझ में आ रही है, अब आ रहा है मेरे को मजा। तुम कर ले फिर, कल को कह देगा नहीं आ रहा तो ठीक है, वो भी मान लेंगे तेरी बात। कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी चीज है जो ऐसे घर बैठे बिठाए नहीं मिलती। इसके लिए साधु संत बड़े लोग तपस्या करते हैं जाके पहाड़ों पे, तब अपने अंदर झांक पाते हैं। वो चीज आपको अपने घर पर मिल रही है आपके बच्चे के लिए। अब अगर आप उसका फायदा नहीं उठा सकते तो मैं तो इसमें क्या ही कहूं फिर। तो मैं जो भटक रहा हूं, मैं जो दौड़ रहा हूं, भटक भी नहीं रहा मैं तो दौड़ रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है इसमें, मैं जो दौड़ रहा हूं उसका पर्पज यह है कि मैंने तो अपना आनंद पा लिया, मुझे तो यही करने में आनंद आता है। आप और आपका बच्चा और उसका क्या? तो उसके लिए आप लोग ट्राई करो, हम हेल्प करते हैं जो हमारे पास है। आपको, आप तो पिछली बार भी थे वहां पे भी, तो आपने उस ट्रेनिंग करी तो कितनी कर ली आपने? पूरा? तो कुछ फायदा लगा आपको उसका? 100% मतलब अलग ही चीज है। हैं?
सबको बता दिया घर में। नहीं मतलब मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, आप आगे आइए, मैं तो केवल आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं इन लोगों के लिए जो पहली बार आए हैं उन यहां आकर के उनको ये बताइए कि आपने सब सीखा तो उससे पहले और आज में क्या फर्क महसूस हुआ आपको? मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअल में हमारे जो बच्चे हैं वो कितने कीमती है और कितनी बड़ी धरोहर हमारे लिए, जिनको हम लोग कभी नोटिस ही नहीं करते थे, जिनको हम समझ ही नहीं पाते थे। एक्चुअल में अभी मुझे समझ में आया कि उनकी जो हरकतें थी वो उनका जो हरकतें नहीं थी, उनके अंदर में जो नेचुरल जो प्रकृति ने डाला हुआ जो गुण था वो था, जिनको हम इग्नोर कर रहे थे, जो हमको समझ में नहीं आ रहा था वो एक्चुअल में समझ में आया, और उससे मुझे पता चला कि मेरे बच्चे के अंदर में क्या टैलेंट है, वो आगे जाकर के कौन से फील्ड में क्या बन सकता है उसके अंदर में। सवेरे जैसे हमारे घर में क्या होता है कि बच्चा जो होता है सवेरे उठता नहीं है, हम उसको उठा चलो टाइम हो गया चलो उठो उठो, हर कोई बोलता है चलो स्कूल जाना है सवेरे उठो, बट मुझे पता चला कि मेरा बच्चा सवेरे अगर नहीं उठ रहा है, उसका मन नहीं कर रहा, तो एक्चुअल में उसका बेनिफिट क्या है, जो मुझे सर के वीडियो देखने से मुझे पता या चला कारण क्या है उसका, और उसका कारण क्या है, और जो बच्चा सवेरे उठ रहा है उसका कारण क्या है, जो नहीं उठ रहा है उसका कारण क्या है, जो बच्चा मोबाइल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कार्टून देखता है, हम अपने बच्चे को भला बुरा कहते हैं, उसको डांटते हैं, बट मुझे पता चला कि वो जो कार्टून ही देख रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये टैलेंट मुझे उसके पहले जब मैं सर से जब ट्रेनिंग नहीं लिया था मुझे कुछ भी पता नहीं था, और मुझे दुख था वो जिंदगी में कि मैंने जो जिया, और आज मैं खुश हूँ कि मैं सर के सानिध्य में आकर के ये सारी चीज़ें मैं अपने परिवार को दे पाया, और मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे परिवार को मिले जैसे सर कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कोर्ट में केस भी डाला कि अगर मैं अपने बच्चों को बचाना चाहता हूँ पर मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, कि भैया आपको लगाना नहीं है, अपने बच्चों को लगवाना नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तब मैंने एक रास्ता चुना कि नहीं अगर कोई नहीं सुनता है तो मैं अपने बच्चे का केस हाईकोर्ट में डालूंगा, उसके माध्यम से तो वही सुने, और ये सब कुछ सर के माध्यम से ही मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद सर आपका। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी, मैं उज्जैन से। अच्छा नहीं मैं तो नहीं अपने साथ लाया बाबाओं की तरह कई बार आदमी अपनी मार्केटिंग करने के लिए ना अपने ही आदमी बिठा लेते सर मैं सर को लॉकडाउन के पहले कभी नहीं जानता था, मैं सर का नाम तक नहीं जानता था, बट जब मैंने सर के वीडियोस देखा है तो मुझे मेरे अंदर में जब मैं वीडियो देखा है तो मुझे पता चला कि इनके अंदर में एक वो शक्ति है कि वो 3 साल के ऊपर में जो भी बच्चे से लेकर के जो भी व्यक्ति है उनको वो जान सकते कि इनके अंदर में नेचुरल टैलेंट क्या होता है। तो मुझे हमारे कल्पित सर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने जो उनके सेमिनार को यहाँ पे सर के सेमिनार को यहाँ पे रखा खंडवा में जहाँ पे मैं उपस्थित था, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सर से मैं मिला और वो ट्रेनिंग मैंने लिया, उसके बाद में मुझे पता चला। एक और छोटा सा सवाल है, मैं क्लेम करता हूँ, मतलब मैं ये एक्चुअली क्लेम करता हूँ कि कोई अगर यहाँ 50 साल का आदमी बैठा हो, 60 साल का आदमी बैठा हो, 40 साल का कोई आदमी बैठा हो, मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये नॉलेज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक तरफ और पूरी जिंदगी का सीखा हुआ सारी समझ एक तरफ, मतलब मैं ये क्लेम करता हूँ, मैं ये गलत कर अतिशयोक्ति ज्यादा तो नहीं कर लेता, ये 100% सही है कि सर की जो रिसर्च है वो उससे बड़ी रिसर्च हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, क्योंकि उनका प्रैक्टिकली है, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने पढ़ करके किया है, वो जो प्रैक्टिकल हमको जो दे रहा है वो 100 ही बोलूंगा 200% हमारे लिए है, हम सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे भविष्य। थैंक यू। ये मैं आपको क्यों बताया, ये मैंने सिर्फ वैसे ही बाय चांस बात चलती चलती में मेरी नजर पड़ गई कि इन्होंने थोड़ा बहुत पाठ किया हुआ है। एक्चुअली आपको लगेगा जिन जिन लोगों ने, क्योंकि मैं आज से नहीं पिछले 15-20 सालों से इसी काम पर हूं, किसी के माँ बाप को अगर मैंने आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले बताया था, मैं जो भी बात माँ बाप को बताता हूं रिकॉर्ड करके देता हूं, रिकॉर्ड करके, कि अगर तुमने इस रास्ते लेकर के गए तो तुम्हारा बच्चा इस रास्ते जाएगा और यहां से गए तो यहां जाएगा। यकीन मानिए आज तक मुझे एक भी माँ बाप ये नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि आपकी ये वाली लाइन झूठी निकली, एक भी मां बाप नहीं मिला।
और अगर कोई 5 साल पहले मेरे पास अपने बच्चे को लेके आया था और उसका बच्चा छोटा था और बाय चांस वो आज मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, मैं अभी रिसेंट की बात बताता हूं, मैं बिजी था 3 दिन अहमदाबाद में था, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली अहमदाबाद से करनाल, करनाल से इंदौर सीधा भी पहुंचा, तो मुझसे एक बंदा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। रात को जब मैं आ रहा था, आते हुए मैंने उसको वापस कॉल किया, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो मैंने उनको मैसेज किया कि क्या इशू हो गया बताइए। तो उन्होंने अपने बच्चे का एक कंसर्न बताया, तो मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा कुछ मत करिए, शाम की बात है ये, मैंने कहा मैंने आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड करके दे रखी है जब आप काउंसलिंग के लिए आए थे, उसको एक बार सुन लीजिए और देखिए कि जो आप आज फेस कर रहे हो। मैंने उसकी बात भी नहीं सुनी पूरी, उसने कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने कहा कोई इश्यू आ रहा है आपके बच्चे के साथ, उसने कहा हाँ, तो मैंने कहा कुछ मत करिए, मुझे कॉल करने से पहले एक बार मेरी वो ऑडियो सुन लीजिए जो मैंने आपको तब 5 साल पहले दी थी, और अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी मुझसे बात करने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे आप सुबह मैसेज कर देना, फिर मैं इंदौर से फ्री होकर आपको कॉल करता हूं। मेरे यहां पहुंचने से पहले मेरे पास उनका मैसेज आ चुका है कि जी आपने उसी वक्त आज की प्रॉब्लम और उसका सलूशन पहले ही बता रखा है, दोनों चीजें कि इस एज में यह दिक्कत आएगी या आपको ऐसा लगेगा, उसका मतलब यह है। और इसका कोई भी चीज किताबी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई किताब नहीं है जिसपे मैं काम कर रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल और पूरी लाइफ का तजुर्बा एक तरफ और ये एक 12-13-15 घंटे एक तरफ। आपको लगेगा कि ये चीज अगर मेरे बचपन में मिल जाती तो पता नहीं क्या होता, इतनी अल्टीमेट चीज मैं लेके फिर रहा हूं कि ले लो धूल में फिरो, कोई ले लो। लेकिन शायद क्योंकि फ्री में है इसलिए नहीं लेता कोई, अगर मैं इसकी कीमत रखता, रखी हुई है दुनिया आती है, अमेरिका से आते हैं लोग, इंग्लैंड से आते हैं, एक एक बच्चे का उनसे तो मैं डबल चार्ज लेता हूं बाहर, दूसरे देश वालों से, यहां मोटे मोटे शहरों से आते हैं लोग, वो आते हैं वो एक बच्चे के लिए देके जाते हैं, लेकिन मां बाप को जब मैं कहता हूं खुद से सीख लो तो अपनी जिंदगी का 1 दिन 2 दिन नहीं लगा सकते, ये कमाल की बात है, क्योंकि उनको रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड कि कोई और कर दे उनके बच्चे के लिए, हमसे पैसे ले ले, ये नहीं चाहिए अपने को। ये मैं करने नहीं निकला हूं, क्योंकि जब मैं ये करने निकला था तो मैंने कुदरत से एक प्रॉमिस किया था, परमात्मा से एक प्रॉमिस किया था कि मैं इस विद्या को कभी भी अपनी लग्जरी के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मैं इससे कभी भी अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं कमाऊंगा, वरना कितना मर्जी कमा लो, क्या है मां बाप को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, एक स्कूल में जाओ प्रिंसिपल के साथ सेटिंग करो, प्रिंसिपल को बोलो तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, 3 लाख रुपए करो, आओ मां बाप का सेमिनार कराओ, सेमिनार करा के पर बच्चा 10,000 रुपए चार्ज लो, जिस स्कूल में 2,000 बच्चे होंगे 2 करोड़ रुपया रखा है एक स्कूल में, यहां मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है ना वहां आप दे रहे हो ना साल का 1,00,000 रुपया और 10,000 रुपए में और कुछ नहीं होने वाला, और कौन मां बाप नहीं चाहता ऐसा करना, ये बड़े आराम से कर सकते हैं हम लोग। हमारा कोई साथी कहता है हम ऐसा कर ले, मैंने कहा तुम सीख लो और तुम कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं नहीं करूंगा, आप सीख सकते हैं, आप अपनी फ्रेंचाइजी लेके आप अपना काम कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने नहीं कमाना इससे पैसा, मुझे तो जरूरत पड़ेगी तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा कहता हूं मेरी फलानी जगह की टिकट करा दे यार बस इतने से, मेरे को तो दान देते रहना मेरा उसी में चल जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं समाज में जब तक जागृति नहीं आएगी इसका कोई मोल नहीं, इसका कोई औचित्य भी नहीं। एक एक चार चार में आप जिन लोगों से, मान लो मैं 100-200 लोगों को मान लो मैं समझा भी दूंगा आपका बच्चा किसके लिए बना है, एक बच्चे के बारे में जब मैं बोलना शुरू करता हूं 8 घंटे बोल सकता हूं एक बच्चे के बारे में, बिना एक सवाल पूछे बच्चे से, मेरी सिर्फ सामने रिपोर्ट पड़ी होती है, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, एक शब्द नहीं पूछना, और मैं मां बाप को यह कहता हूं तो गारंटी देता हूं
कि मेरी बोली हुई अगर एक लाइन भी गलत हो तो मैं आपके बच्चे के लिए सलाह नहीं दूंगा। 10 साल की अगर आपके बच्चे की उम्र है या 15 साल की उम्र है तो पैदा होने से लेके 15 साल मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे, अगर यह 100% सही है तो आगे की सलाह दूंगा, और अगर नहीं सही है तो अपना जाइए, फिर आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं अगर एक बच्चे को भी समझाने लगता हूं तो एक दिन में एक बच्चे को समझा पाऊंगा, साल में कितने 300 बच्चे, यहां तो करोड़ों परिवार है, कैसे करें। बात सपना तो ले रहा हूं पूरे भारत का मैं, कि हम पूरे सिस्टम पूरे समाज को बदलेंगे, तो मैं एक एक के ऊपर समय बर्बाद नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी कह लीजिए। तो मैं किसी भी माँ बाप को यह कहता हूं मेरे पास व्यक्तिगत आने की जरूरत नहीं, सीखिए और आगे सिखाना शुरू कीजिए, यही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो यदि हम इसको पूरे भारत के लिए एक शानदार लेवल का कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर वो बाबाओं वाला खेल ही खेलना पड़ेगा अपने को, फिर वो सरकार वाला खेल खेलना पड़ेगा। जब हम समाज में जाके ये कहते थे ना सरकार इस बीमारी के नाम पे फ्रॉड कर रही है और तुम ये मत लगवाओ, तो पता क्या बोलते थे, हां ये इतने लगवा रहे, ये पागल है क्या, 100 करोड़ लग गए, पागल है क्या। हाँ वही तो, हाँ कि भाई पीएम लगा रहे तो पागल है क्या, वो इतने बड़े डॉक्टर कह रहे हैं पागल है क्या, ये इतनी मीडिया कह रही पागल है क्या, ये सिर्फ भारत में थोड़ी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, पागल है क्या। ये बस एक लाइन है, हम कहेंगे बाबा पागल बना रहे हैं तुम लोगों को, और ये लाखों लोग आए इसकी श्रद्धा है, पागल है क्या। आपके यहां भी 2-3 धाम बन गए, 101 मूर्खों की लंबी लाइन लगी पड़ी है उनके आगे, और फिर एक बताओ इतने करोड़ों लोग इनके श्रद्धालु हैं, पागल हैं क्या। तो भाई फिर हम तो पागल ही हैं, फिर जब कितनी बढ़िया चीज दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो लाखों करोड़ों लोग नहीं है, है? जमाना उल्टा हो गया, सच बोलने वाले को पागल बताते हैं। हाँ जमाना नहीं कहता, आप बता दो मुझे कितने लोग मुझे पागल कहते हैं, है कोई मुझे पागल कहने वाला। मैं इसलिए पागल कहूंगा कि पंजाबी में गल माने होता है बात, जो जीवन की बात जिसने पाली हो वो है पागल, जो ओरिजिनल बात है जिसने लक्ष्य पा लिया हो, कुछ जो पाने लायक चीज है वो गल पाली हो वो है पागल। बच्चों के मार्फत आपने जो आपके अंदर जो आग है और वो आप जिस ठेठ हरियाणवी अंदाज में जो एक हास्य के साथ प्रस्तुति कर रहे हैं वो सच में जो है प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है, स्तुत्य है, वंदनीय है, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू शर्मा जी, मैं थोड़ा कोई बात, हम फिर मिलेंगे, प्लीज आप घर आइए, आऊंगा मैं, बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि वो तो पागल की डेफिनेशन बढ़िया बता गए कि जिसने गल पा ली हो लेकिन बात यह है आप जिस पागल की बात कर रहे थे वो पागल मुझे नहीं कहेंगे। इसका मतलब अगर हम और लोगों तक भी जाएंगे तो वो भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सच की लड़ाई है। सच की लड़ाई लड़ने वाले को वो पागल केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया एक तरफ है और ये अकेला खड़ा दूसरी तरह की बात कर रहा है। जब किसी काउंसलर के पास जाओगे तो वो आपके बच्चे को समझाने की बात कहेगा, अपन सीधा सीधा उसके मां बाप को लानत भेजते हैं इसलिए अलग दिखते हैं। वो टीचर कहेगा ये याद नहीं करता, मैं कहता हूं इस टीचर को समझाना नहीं आता इसलिए थोड़ा अलग कहते हैं। मैं बच्चे को कहता हूं ये 100% है बच्चा, जितनी कमी है बाकी दुनिया में है। मतलब मेरा फर्क इतना है कि मेरा यह मानना है कि जब बच्चा पैदा हुआ वो 100% पैदा किया, धीरे धीरे मां बाप ने उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना शुरू किया, जितना उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना शुरू किया उतना वो 100 में से कम होता चला गया, फिर स्कूल ने उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना शुरू किया तो वो अपने से कम होता चला गया, जितना फिर वो नौकरी करने लगा तो वो कम होता चला गया,
जब एक बच्चा पहले माँ बाप की सारी मान ली, फिर टीचर्स की सारी मान ली, फिर बॉस की सारी मान ली, तो आखिर आते आते उसे जीवन के अंतिम दिनों में यही नहीं पता चलेगा मैंने जन्म लिया क्यों था। वो मतलब माइनस होते होते जीरो पे आ लेगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस बच्चे को अगर ओरिजिनल रख लिया जाता, अगर उस बच्चे को नंबरों के पीछे, नौकरी के पीछे, पैसे के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे ना भगाया होता, तो आज ना हमारे जंगल कटे होते, ना हमारे डंगर मरे होते, ना हमारा बीज नाश हुआ होता, हमारा समाज और हमारी प्रकृति यूं की यूं बची हुई होती। लेकिन ये कंक्रीट के जंगल छाप के खड़े कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि मिल करके हमने बच्चा खराब कर दिया। और वो बच्चा बचाने की लड़ाई है, ये बीज बचाने की लड़ाई है। और ये बीज बचाने की लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है। जिस दिन आप सब लोग और लोगों को साथ ला करके उस लेवल पर जब तक नहीं ले आते कि देखो ये लाखों लोग ये बात कह रहे हैं, ये पागल है क्या, ये वाली लाइन बोलनी पड़े अगर हमारे लिए, तो कुछ बात बनेगी, क्योंकि ये वेव बनेगी। मान लो आज आपके फीलिंग आएगी भाई 100-200 लोग हैं, इतने लोगों से क्या चेंज आएगा। मान लो ये कहने लगे हम, पांच लोगों को समझा दिया, पांच लोगों से क्या चेंज आएगा, 50 लोगों से क्या चेंज आएगा। मैं ये समझता हूं कि अगर ये 50 लोग निष्क्रिय ना हो और अपने जीवन में लग जाएं, तो 50 के 500, 500 के 5000, 5000 के 5 लाख बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन लगे तो, हम तो सिर्फ उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि ये लगेंगे कब। भाई हम लोग अपनी संख्या तो बढ़ा रहे हैं लेकिन अपनी मेहनत नहीं बढ़ा रहे जो साथ में लगे हुए लोग हैं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि यदि किसी शहर में बदलाव करने जैसा कुछ करना है, तो एक बार कम से कम हमको 1000-2000 आदमी तो एकदम कॉन्शियस बने कि भाई ऐसी वेव निकले ना, हमारे मस्तिष्क से वेव निकले कि इतने लोग समझने लगे। बच्चों की एजुकेशन को बचाने के लिए मान लो मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। आज इंदौर में कहीं भी कोई ऑडिटोरियम है क्या कल्पित? है। कितनी कैपेसिटी है उसकी? 1000 लोग आ जाते हैं उसमें। तो हमने जब उधर किया था, रोहतक में एक बार हमने किया था, जहां सीढ़ियों में भी बैठ गए थे लोग बाग, 1000 की कैपेसिटी में 1500 लोग आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। अगर हम इंदौर में 1500 लोग इकट्ठा कर देते हैं इस मिशन पर बात करने के लिए, और उसके बाद हम बच्चों को बचाने के लिए एक रैली निकालते हैं केवल अपने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के, जो हमारे विचार हैं उनको लेकर के, कि इतने लोग बोल रहे हैं, हमने किसी को ज्ञापन नहीं देना होगा तो एक चिट्ठी दे आएंगे डीसी को, लेकिन हम शहर में सिर्फ अपने जीवन के ये सेमिनार करने के बाद 2 घंटे हम अपने सिर्फ शहर में घूम कर ये बताएं कि ये शिक्षा पर कोई लोग बात कर रहे हैं, ना राजनीति पर कर रहे, ना किसी को हराने की बात कर रहे, ना किसी की खिलाफत की बात कर रहे। हम ये कह रहे हैं अपने बच्चों को बचाना है सारों को साथ लग के। क्या ये किया जा सकता है? रैली के बारे में मैं डिसाइड कर लूंगा सेमिनार के बाद कि करना है कि नहीं करना है, हम मतलब बता देंगे सबको, लेकिन वो आदमी वहां तक लाने का काम तो आप सबको करना पड़ेगा ना। अब ये कल्पित कब तक अपनी गर्दन तोड़ाता रहेगा? है मतलब देखो, इसने मेरी एक टिकट कराई चंडीगढ़ से फ्लाइट की, दिल्ली से, वो मतलब मैं नहीं पकड़ पाया टाइम पर किसी कारण से, फिर ट्रेन की टिकट कराई मैं वो भी नहीं पकड़ पाया, फिर तीसरी कराई, ये अपने आप से जेब से पैसा खर्च करके करा रहा है कि कहां से करा रहा है मुझे पता नहीं भाई। लेकिन इसका क्या रोल है? इसके तो बच्चे भी नहीं है भाई, इसके बच्चे रुलते हो ये अपने बच्चों के लिए कर रहा हो। मैं उस समझ का लेवल बता रहा हूं, मेरा भी नहीं है, मेरा भी बच्चा बड़ा हो लिया, अपना सेट हो गया, कहीं ना कहीं सेट कर ही लूंगा, मतलब मैं भी इसी के लेवल पे हूं। लेकिन फिर भी मैं वो बात बता रहा हूं कि जिसने आपसे कुछ लेना देना नहीं,
जिसको ये लगता है कि मेरे को अपने समाज में कुछ सुरक्षित करना है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, वो व्यक्ति अगर इतने जोर लगा रहे हैं तो हमको उससे ज्यादा जोर लगाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। क्यों भाई? तो मैं इस उम्मीद में यहां से जाऊंगा आज कि हम लोग ये प्लान करेंगे कि आने वाले वक्त में इंदौर के अंदर अगर कोई ऑडिटोरियम में जगह बनती है तो वो ऑडिटोरियम हमको अपने आप वहां से भर देना है, क्योंकि लगना पड़ेगा जी, ऐसे नहीं बात बनती। ये तो इसकी तो मजबूरी है कि ये अभी मेरे साथ में अहमदाबाद था पिछले 8-10 दिन, तो ये तैयारी नहीं कर पाया। मान लो आप सबसे कांटेक्ट करके आप अपने शहर से मीटिंग करते हो, वहां से गाड़ियों से लोगों को लेके आते हो, कैसे लाते हो, तो करना पड़ेगा जी। और अगर नहीं करना है तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, इस पर नहीं है, मेरा नंबर है 9518170000। मुझे आप पूछ लीजिए कि वो ट्रेनिंग हमें कहां से मिलेगी, अपने बच्चे के लिए कम से कम वो ट्रेनिंग घर बैठे ले लीजिए, कोई उसके लिए पैसा खर्च नहीं होता। अपने बच्चे को समझने के लिए आपको क्या करना है, आप वहां जा सकते हैं। और जब अगला सेमिनार हो, आज भी सवाल पूछ सकते हैं और अगले सेमिनार में भी पूछ सकते हैं, जितने मर्जी। जितना आप डीप में जाते चले जाएंगे मैं उतना बताता चला जाऊंगा। मेरे पास बताने के लिए 30-40 घंटे का प्रोग्राम है इस टॉपिक के ऊपर, जब बच्चों को समझना शुरू करते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर मैं ये समझूं कि मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है आज कि हमारे इस पूरे के पूरे समाज में उसकी सोच में और सिस्टम में क्या क्या गलत हो रहा है, केवल इतना बताया। ठीक करना पड़ेगा ये समझ में आ गया, ठीक कैसे करना है इसकी शुरुआत वो ट्रेनिंग करके होगी। क्योंकि जब आपके हाथ में कोई हथियार दे दूंगा मान लो मैं, तब आपको पता चलेगा उस हथियार से आपको क्या काटना है, कितना जोर से उसको यूज करना है, उसको पेचकस की जगह यूज कर सकते हो कि किसी चीज के अंदर सेटल करने के लिए, वो डिपेंड करेगा आपके पास क्या हथियार है। यानी जो इस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, ये ट्रेनिंग करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे गांव के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अपने बच्चे के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये आपको तब समझ में आ जाएगा, है ना जी। तो ये आप ट्रेनिंग कर लीजिए। फिर मैं अभी गैप देते हैं अभी 2 मिनट का 5-7 मिनट का, और उस 5-7 मिनट के गैप के बाद आपके जो सवाल होंगे आपके बच्चों को से लेकर के, जो आपके अपने व्यक्ति बच्चों से ले, तो वो मैं फिर वो सवाल जवाब ले लेंगे इस गैप के बाद, और फिर हम समापन करेंगे।